शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। दत्ता साहब, इसीलिए तो कहता हूँ दिन में मत किया करो। तू 4 महीने के अंदर कमिश्नर बनने वाले हैं। वैसे भी मुझे एक हिसाब चुकता करना है। अब अगर दरवाजा हम नहीं बंद करेंगे तो
तो हमारी मुसीबत हो जाएगी, चोर लोग अंदर घुस जाएंगे। ये ताला भी बंद हो गया, चल बेटा सत्या। गौरे, ओ गौरे, अरे धीरे चल गौरे धीरे, जग्गू के दिल की चाल बंद हो जाएगी। काले बिल्ले, तूने फिर मेरे रास्ता काटा, हट। दया आती है तेरे इस जवानी पर, वो सत्या झूठे डब्बे के संग गटर में बहा देगा तेरी ये जवानी। ए मेरे पास आ जाना, खा अपने बाप की कसम। ले, पर तू कौन से बाप की कसम खाएगा रे? हाय दया मर गई। याद रख, अगर दूसरी बार ऐसी दिल लगी की तो कच्चा चबा जाऊंगा तुम्हें और तुम्हारे सत्या को भी। हाय तेरे में कितना जोर है रे। ले मेरी टोकरी पकड़ ले। तू कहती है तो टोकरी है क्यों, तुम्हें भी सर पे उठा लूंगा। <लाए दर। laughs> फिकर मत कर, किसी ने देखा नहीं रे। तुझ पे दिल है साली, इसलिए छोड़ देता हूँ, मगर तेरे सत्य को देख लूंगा। अरे बाप गौरी, क्या मरद हाथ मारा है, भगवान कसम आवाज से डब्बे हिलने लगे। अब तो हाथ ही मारा है, फिर रास्ता रोकेगा तो नाक काट लूंगी उसका। जब मिलता है बोलता है, गौरी मैं तुझे मुर्गा खिलाऊंगा, मुर्गा खिलाऊंगा। अरे तो बगैर डकार के मुर्गा हजम कर जाना, मुफ्त का माल है। और गौरी तू तो वैसे भी मांस मच्छी खाती है। अरे सत्या तू समझता क्यों नहीं, वो मुझसे शादी करने को मानता है। ये तो और भी अच्छी बात है, कैसा जवान गबरू आदमी है, कर ला फटाफट शादी। तू कैसा मर्द है रे, अपनी होने वाली जोरू को बोलता है दूसरे मर्द से शादी कर ली। का तू हमार होने वाली जोरू है? अरे तो फिर मन ही मन में लड्डू खा ले, ये सतिया तो कभी शादी नहीं करने वाला। शादी नहीं करने वाला, तेरे बाप को शादी करनी पड़ेगी। तू 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 तू। ये बजरंग बली, देखो साहब बरोबर टाइम पे खाना ले आया। बराबर टाइम पे खाना लाया, तीन बज गए हैं। तीन ससुर तीन बज गए, कल से देरी से लाया तो उसी वक्त छुट्टी कर दूंगा। अरे साहब 7 साल से ऐसे ही कह रहे हो, पेट खाली है इसलिए चिल्ला रहे हो, भर जाएगा तो माफी दे दोगे? आप बिल्कुल माफ नहीं करूंगा, जहाँ देरी हुई वहाँ छुट्टी। आज ही छुट्टी कर दो साहब, मैं एकदम टेम टेम पर टिफिन लाऊं। ओए होए होए होए, एक टेम टेम वाली, आईने में अपना थोबड़ा देखा है क्या? अरे मुंह पर नाक ऐसे लटक रही है जैसे काकाड़ी। तू अपना मुंह देख, भिंडी के जाल जैसा झूल रहा है। हम भिंडी है? हाँ। तो तू धतूरा है? तो तू बैंगन है? तो तू करेला है? तू सरेला है? देख देख गौरी, अब तक बस का गुस्सा हमारे भेजे से नहीं निकला है, ज्यादा टट्टर करेगी ना तो हम इमली की चटनी की तरह चाट जाएंगे। हाँ अरे जा चटनी वाला, देखो साहब ये रोज आपका टिफिन खाता है और आपको झूठा खिलाता है। का? हाँ, रोज यही करता है, रोज हम पर झूठा इल्जाम लगाती है, हम ये तंबूक तेरे पेट में घुसर देंगे। गौरी अगर ये दम्बूक नहीं तो क्या हुआ, हम पुलिस में भर्ती होंगे और दम्बूक लेंगे, लेकिन तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पुलिस में क्या, झाड़ू मारने के लिए? कहाँ बना दिया हमको? देखा साहब हमको जाते हैं। गौरी गौरी गौरी, अरे हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम हेड कांस्टेबल बनेंगे। उससे पहले मैं तेरे को शादी करके सत्या को सत्तू कर दूंगी। फाके जा मन ही मन में सत्तू, हम तो 7 जन्म तक शादी नहीं करेंगे। शादी नहीं करेगा तो 300 किलो मटन का कीमा बनाएगा। ए कसाई, कीमा नहीं, हम तो पैसा बनाएंगे। पैसा 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 बना के क्या करेगा? ट्रक खरीदेंगे। ट्रक ट्रक खरीद के क्या करेगा? शहर भर के टिफिन ट्रक में ले जाएंगे और फिर तुम्हारी छुट्टी। तेरा सत्यानाश, फिर पैसा बना कर भी टिफिन उठाएगा टिफिन? हाँ। तो जा, तेरे को 7 जन्म तक सौ का पत्ता भी नसीब में ही होगा। गौरी गौरी, नमस्ते नमस्ते। श्रीमती जी, 2 महीने से बजरी का ढेर रास्ते में पड़ा है सड़क की मरम्मत के लिए, लेकिन काम का अभी तक कोई पता नहीं, चलने फिरने में बड़ी सख्त तकलीफ होती। आप एक रिपोर्ट लिखकर मेरे सेक्रेटरी को दे दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छे। नमस्ते, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? देखिए नौसारी में हमने 7 जुलाई को एक पब्लिक मीटिंग रखी है। अच्छा, हमारी इच्छा है कि आप इस जलसे की सभानेत्री बने। मगर जुलाई के महीने तो मैं राजस्थान के दौरे पर जा रही हूँ, वहाँ अकाल पड़ा है ना,
अकाल चला गया तो मेरा वहां जाना बिल्कुल बेकार हो जाएगा। देखिए, आप मेरे सेक्रेटरी से कोई दूसरी डेट फिक्स करवा लीजिए। बहुत अच्छा। हेलो गवर्नर। हेलो मैडम। मेरी तारा कैसी है? एक महीना हो गया उसे देखे हुए। Oh, she's fine. You know, she stood first in her class. Really? Yes. I'm so glad to hear it. तो वहाँ कितने बजे उठती है? About 6 o'clock. Oh, how sad. मेरा प्लेन तो 5:30 बजे का है। Alright, give my love to her. Oh, sure. सुबह हो गई। उठो बेटे। मम्मी नहीं है? मम्मी तो जोधपुर गई है। तो फिर जा, हम भी नहीं। जिद ना करो बेटे, उठो हॉर्लिक्स पी लो। एक महीने से यही सुन रही हूँ, मम्मी जोधपुर गई है, मम्मी अहमदाबाद गई है, मम्मी दिल्ली गई है। जब तक मम्मी नहीं आएंगी मैं हॉर्लिक्स नहीं पीऊंगी। ऐसा नहीं करो बेटे, नहीं तो मिस डैनियल बहुत गुस्सा करेंगी। नहीं पीऊंगी, नहीं पीऊंगी, नहीं पीऊंगी। गुड मॉर्निंग मैम। तुम क्या बोला? What did you say? तुम कुछ नहीं बोला मैम। तुम झूठ बोलता है। तुम बोला तुम हॉर्लिक्स नहीं पिएगा। नो मैम, हम बोला हम पिएगा। ओके, चलो जाओ, नॉटी गर्ल। हमारी तारा बेटी रानी बनेगी। ये देखो ये फ्रॉक पहनो। नहीं पहनूंगी। अच्छा पापा, दूसरा पहनो। ये पहनो। अच्छा नहीं है। कितना अच्छा फ्रॉक है। अच्छा पापा, ये पहनो। नहीं पहनूंगी, नहीं पहनूंगी, नहीं पहनूंगी। फिर कौन सा पहनोगी? जब मम्मी जोधपुर से नया फ्रॉक लाएंगी वही पहनूंगी। देखो बेटा, जिद नहीं करते, इसमें से कौन सा भी एक अच्छा सा पहन लो। यस मैम। आज कौन सा दिन है? व्हाट्स द डे टुडे? फ्राइडे। फ्राइडे, तो फ्राइडे को यही फ्रॉक पहनने को मांगता। चलो पहनो। यस मैम। नॉटी गर्ल, नॉटी गर्ल। जय जय कृष्ण राधे कृष्ण, जय जय कृष्ण राधे। नानी, बाहर निकल, बाहर निकल। जूता पहन के अंदर आ गई। सत्यानाश कर दिया उस बालपति ने मेरे का। राम राम राम, सीताराम सीताराम सीताराम। जाती है, लगाओ चप्पल। हाँ श्रीवास्तव, और सुनाओ क्या खबर? बड़ी इच्छा थी से। यस। नहीं नहीं, अभी नहीं, हाँ अगले महीने देखा जाएगा। ओ यस, ऑलराइट। हाँ श्रीवास्तव, और सुनाओ क्या खबर? जी चाहता था। हेलो। हेलो मिस्टर श्रीनिवासन, हाउ आर यू? ओह यस, आई एम ऑलराइट। हाँ हाँ, इट्स क्वाइट ऑलराइट। ओह यस 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 यस, थैंक यू थैंक यू। हाँ श्रीवास्तव, और सुनाओ क्या खबर? कभी कभी इच्छा होती। हेलो। अरे भाई, बार बार टेलीफोन करने की क्या जरूरत है? एक बार तो कह दिया सारे पेपर सॉलिसिटर को दे दो। हाँ हाँ, बाद में देखा जाएगा, अब तुम दे दो। ओह यस, थैंक यू। हाँ श्रीवास्तव, मिस गोम्स, ऑपरेटर को बोल दो मुझे अभी कोई टेलीफोन नहीं चाहिए। हेलो, मैं तारा बोल रही हूँ, डैडी को फोन दो। डैडी बिजी है, मुझे अपनी रिपोर्ट दिखानी है। डैडी नहीं मिल सकते। तारा, किसको फोन करता है? डैडी को। व्हाई? हमारे परमिशन क्यों नहीं लिया? मुझे अपने कार्ड पर सिग्नेचर चाहिए, टीचर ने बोला है। बट व्हाई? तुम्हारा प्रोग्रेस कार्ड हम साइन करता, डैडी को क्यों डिस्टर्ब करना मांगता? बोलो। मुझे अपने डैडी का नंबर दिखाना है, मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। शट अप, फोन रखो। से सॉरी। गो एंड हैव योर फूड। कब आए तुम? आज सवेरे आया, लेकिन तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को मिले बगैर कैसे चला जाता? वो तो तुम्हारी मेहरबानी है, सने रहता से मिले तो। नहीं तो कहाँ है वो? तो मैं भी नहीं जानता, सूरत गई थी। मिस गोम्स, प्लीज कम है, अभी पता करवा लेता हूँ, फिर एक दिन मुकर्रर करेंगे, खाना वाना खाएंगे, गांव की गपशप होगी। या मिस कॉम्स, यस सर, मेरी बीवी कहाँ है? जी मिसेस धनराज कहाँ है? जी कल वो सूरत से बड़ौदा आ गई थी, शायद। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि वो यहाँ है या नहीं। मुझे मालूम नहीं। तो फिर जाओ उनके सेक्रेटरी से पूछो और उससे कहो कि मैं अपनी बीवी से मिलना चाहता हूँ, अपॉइंटमेंट मुकर्रर करें। यस सर। कमाल है, तुम्हें अपनी पत्नी से मिलने के लिए भी दूसरों से पूछना पड़ता है। ऐसा ही है श्रीवास्तव, मैं तो बिजनेस में लगा रहता हूँ, और वो तुम जानते हो क्या मिलने हैं, लोक सेवा में मसरूफ रहती हैं। अच्छी बात है, तो मैं भी उनके सेक्रेटरी से ही मिलूं। हेलो। मेरी माँ मेरे लिए चाय बना रही है।
तारा? यस मिस। ये क्या लिखा है तुमने? डिक्टेशन। ये मैंने लिखवाया? मालूम है तुमने क्या लिखा है? तुमने लिखा है मेरे पिता अखबार पढ़ रहे हैं, मेरी माँ जोधपुर गई है। साइलेंस। तारा, तुम तो मेरी बहुत होशियार बेटी हो, फिर तुमने ऐसे क्यों लिखा? अरे इसमें रोने की क्या बात है, गलत हो गई तो ठीक कर लो। जाओ अब तुम घर जाओ। ठीक नहीं है, जब शारदा जी की शादी होगी ना उस समय ढेर सारा सामान खरीदेंगे, तब रिक्शा तो क्या ट्रक में रख कर लाएंगे। अरे भगवान वो दिन दिखाए, बिटिया तो शादी का नाम भी नहीं लेने देती। बिटिया तो बहुत नखरे वाली है, उसके मुंह पर नाना है लेकिन मन में हाँ हाँ है। आप बात तो छेड़ कर देखो। ठीक कहता है। स्कूल का वक्त हो गया, मैं जा रही हूँ। अरे खाना तो खा पीजा, इतना भी समय नहीं है तेरे पास। नहीं माँ, देर हो जाएगी, मुझे बैंक में भी काम है। शारदा जी पहले खाना खा लो, भूखे पेट में भूत घुस जाता है, आपका बंक का काम हम कर देंगे। दस पाँच रुपए की चीज खरीदनी होती तो तुम्हें भेज देती, बैंक का मामला है 700 रुपए जमा करने हैं, तुम नहीं समझोगे। हम थोड़ा बुद्धू जरूर हैं, पर चोर चंडाल नहीं, आपका 700 रुपया लेकर भाग नहीं जाएंगे। छी छी सत्या, तुम तो हर बात गलत समझ लेते हो। मैंने तो ये समझ कर कहा कि बैंक में रुपया जमा करना है, जाने तुम कर पाओगे या नहीं। अरे जब हम थाने में जाकर दरोगा इंस्पेक्टर को टिफिन खिला सकते हैं तो क्या बंक में पैसा नहीं जमा करा सकते? आपका बंक पुलिस थाने से बड़ा है क्या? शारदा जी सतिया फांसी लगाकर मर जाएगा, पर एक पैसे की बेईमानी नहीं करेगा। ओहो ये लो पासबुक, बैंक पे दे देना रुपए, गिन लो पूरे 700। चलो बेटी खाना। पूरे 700? क्या हम इतना बेवकूफ है जो इतना भी नहीं मालूम? अरे 700 भाई 700। बाबू साहब का पैसा जमा करने वाला बैंक यही है, तू कह दिया। अरे साहब ये पार्टी पे क्या लिखा? यहां थूकिए। पहले थूकना पड़ता है, बाद में पैसे जमा करना पड़ता है। हमको नहीं मालूम जो लिखा था वो पढ़ दिया। चलो अंदर चल के पूछ, थूकने वाला कानून किसने बनाया? सुनो अपना काम करके चलते बनो, बेकार की बातें पूछोगे तो ये बैंक वाले खफा हो जाएंगे। हम कुछ नहीं पूछेंगे साहब, हम थूक देते हैं। आप भी पैसा जमा करना है? हाँ। फिर थूको। थूक ये लो। कैसा पैसा ऐसा थोड़ी रखते हैं, चोरी हो जाएगा, ठीक तरह से रखो। है कि हमारे पास 700 रुपया है, ये देखो आंटी में छुपा के रखा है। आप ये बैंक में पैसा कहाँ जमा करते हैं? पैसा जमा करना है, मुझे भी जमा करना है, चलो मैं जमा करवा देता हूँ। आप इसमें जानते हो क्या लिखा है? कहा लिखा है इस डब्बे में पैसा जमा होता है। ऐसा? हाँ हाँ पासबुक है तुम्हारे पास? नहीं साहब, हमको तो शारदा जी ने ये किताब दिया। हाँ यही किताब, अब इसे खोलो। खोलो। शाबाश, पैसे निकालो और इसमें ऐसे रखो। एक मिनट साहब, पूरे 700। अच्छा अब इस किताब को बंद करो। ऐसे बंद किया, शाबाश, अब इसमें डाल दो। नहीं साहब हम इतने उल्लू नहीं है, पहले आप डालो उसके बाद में हम डालेंगे। ये लो अब हम डालते। हाँ शाबाश।
अब क्या होगा? पैसा जमा हो गया, चलो अब चलते हैं। इतनी सी बात थी और शारदा जी ने कितना हल्ला मचाया। चलो पैसा जमा हो गया। बिल्कुल तनिक ठहरो साहब, तनिक ठहरो। अरे अरे ये क्या? अरे साहब न जाने यहाँ बैठकर आप लोग कितना पाप का हिसाब करते हैं। हमारे ख्याल से तो ये पुलिस वालों को खाने से पहले तनिक गंगा जल जरूर छिड़कना चाहिए। सत्या डब्बे वाले बहुत होंगे लेकिन तेरे से बड़ा डब्बा कोई नहीं। काका हम डब्बा हैं? अरे साहब इसी डब्बे ने आज बैंक में 700 रुपया जमा कराया है और बैंक में पैसा जमा करने के लिए डब्बा नहीं पढ़ा लिखा इंसान चाहिए। 700 रुपया? लेकिन पैसा किसका था? शारदा देवी का। हम अपने हाथों से बैंक में जमा कराया है। कैसे जमा कराया तूने? मामूली बात है साहब, पहले बैंक में जाओ और फिर बैंक के दरवाजे पर थूको। आका थू थूको? हाँ साहब, ये थूकना किस लिए मालूम है आपको? ताकि दुनिया वालों को ये मालूम हो जाए कि ये पैसा जो है ना ये माया मोह है। अबे सनकी ये सब छोड़, अब ये बता तूने पैसे कैसे जमा कराए? अरे वही तो हम बता रहे हैं, पहले थूका उसके बाद अंदर एक डब्बा बनाया हुआ है, उस डब्बे के अंदर वो बैंक का किताब भी डाल दिया और पैसा भी डाल दिया। व्हाट? कुछ गड़बड़ हो गई का? हम भगवान की सौगंध खाकर कहते हैं बाबू साहब हमने किताब खोला रुपया उसमें रखा फिर इसके अंदर डाला। अब कहां गया ये देखो बाबू साहब, यही वो किताब देखो। लेकिन इसमें तो रुपया नहीं है। नहीं गजब मुसीबत है ससुर, हमने तो इसमें ही रखा था। जब तुम्हें मालूम नहीं तो इनसे क्यों नहीं पूछ लिया? यस बाबू साहब, हमने तो इनसे भी बड़ा आदमी से पूछा था, उसने भी इसमें रुपया डाला, उस बेचारे का भी रुपया चला गया। किसी ने ताला तोड़ कर रुपया निकाल लिया होगा। का रुपया चोरी हो गया? बैंक में जमा नहीं हुआ। अरे बैंक से रुपया कैसा चोरी हो सकता है? हम तो अपना 700 रुपया धरा के ले लेंगे। चश्मे बाबू साहब, 700 रुपये के लिए अपना धर्म खोटा कर रहा है। चुप रहो। मैनेजर साहब आप इसकी शिकायत की रिपोर्ट लिख के मुझे भेज दीजिए। डेफिनेटली। चलो घर। हम कहाँ चले बाबू साहब, जब तक रुपया ना मिल जाए, चोर ना पकड़ा जाए, हम किसी को मुंह नहीं दिखा सकते। रुपया शारदा जी का था, उनकी स्कूल की फीस थी। अगर ये रुपया नहीं मिलेगा तो शारदा जी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उनका नाम खराब हो जाएगा। बाबू साहब हमको रुपया दिला दो, नहीं तो हम मर जाएंगे। हम अपने आप को मार डालेंगे बाबू साहब, हमको रुपया दिला दो बाबू साहब। तारा, मेरी मम्मी ने प्रॉमिस किया है कि तारा को जरूर जरूर ले आना। तुम्हारी मम्मी मुझे भी प्यार करेंगी? हाँ, तो फिर चलो। चलो तारा को देखा? तारा तो चली गई। तारा कहाँ चली गई? अरे अब क्या होगा? आज हम अपने देश के हर कोने से, हर हिस्से से एक ही आवाज सुनते हैं कि हमारे बच्चे हमारे बस में नहीं है, हमारे नौजवान हमारे साथ कदम मिलाकर चलने को तैयार नहीं, हमारी बात समझने को तैयार नहीं। रुको। मगर सवाल तो ये है, क्या हमने उन्हें समझने की कोशिश की? मत भूलो। अरे, उनके दिलों में नया जोश है, मंगे हैं। मैं कहती हूँ बच्चों को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ माँ बाप का प्यार चाहिए, वो प्यार जो मोतीलाल ने जवाहर लाल को दिया। तो बहनों और भाइयों प्रण कर लो कि अपने बच्चों को मोतीलाल जैसा प्यार दोगे तो आने वाले हिंदुस्तान में एक नहीं हजारों जवाहर लाल होंगे, हजारों इंदिरा गांधी होंगी। जय हिंद। देखा प्रभु सब गड़बड़ हो गया, तेरे सत्या सत्यानाश हो गया, हमने
हमने सारा रुपया अंधे कुएं में डाल दी। हम अगर शारदा देवी पूछेंगे तो हम उनको कहां जवाब देंगे? वो कहां सोचेंगे हमारे लिए कि हम चोर हैं, खराब आदमी हैं? हम ये थोबड़ा उनको कैसे दिखाएंगे? बोलो प्रभु, कभी तो बोलो, बोलो तुम्हारा सत्य क्या करेगा प्रभु, बोलो क्या? यही तुम्हारा जवाब है? हम समझ गए, हम वही करेंगे जो तुम चाहते हो, वही करेंगे। हम जाते हैं जयराम जी, हम जाते हैं, खत्म कर देंगे हमने आपको, दुनिया से ही अलग हो जाएंगे। हम जा रहे हैं, झोपड़ी का ख्याल रखना, हमका याद नहीं करना, रोना नहीं, जा रहे हैं। का मजाज है प्रभु, इतने साल हो गए जिंदगी में साथ रहते हुए कभी तुमने हमसे बात नहीं की, आज जब मरने का समय आया तो बात भी करना शुरू कर दी, लेकिन हम नहीं रुकेंगे, हम तो मर जाएंगे, नहीं तो 700 रुपया कहाँ से देंगे? कौन है? आराम से मरने भी नहीं देते। कौन है? कौन है? कौन? अरे तुम कौन हो? यहाँ कैसे आ गई लाली? मेरा नाम लाली नहीं, मेरा नाम नैनतारा है। तुम्हारा नाम क्या है? अरे अरे गजब मुसीबत है ससुर, अभी अभी तो तुम पुकार रही थी सत्या सत्या सत्या, जब सत्या है तो सत्या का नाम पूछ रही हो। अच्छा ये बताओ तुमको हमारा नाम कैसे मालूम हुआ? इधर लिखा है ना? ये हमारा नाम लिखा है। तो फिर किसका? अरे हम तो समझे थे कि बच्चे लोगों ने किसी जानवर का फोटो बना दिया है जो टिफिन का डब्बा लेकर भाग रहा है। कुत्ता बुद्धू हो? आई ये तो हमको सारी दुनिया कहती है कि हम बुद्धू है। अरे सत्या तेरा सत्या नाम, माफ करना बिटिया, चलो अंदर, बाहर बहुत बारिश है। आवा पैसा। ये क्या? ये हमारा मकान है। क्या मकान है? कहीं तो क्या दुकान है? फिर ये पानी क्यों टपक रहा है? अरे गरीब की झोपड़ी में पानी नहीं तो क्या शहर टपकेगा? गरीब? गरीब क्या होता है? अरे बिटिया ये गरीब बहुत बड़ी वस्तु है, लेकिन सस्ती भी है। मार्केट में एक आना फेंको तो 25-30 जमा हो जाते हैं। लेकिन तुम बात कम करो, ये कपड़े उतारो वरना सर्दी लग जाएगी। अरे अरे पर मैं पहनूंगी क्या? अरे तो हमारा फराक पहनो। एक मिनट, तुम्हारा घर तो सब टूटा फूटा है, सब जगह से पानी आता है, और ये रस्सी क्यों लटकाई है? चलो कपड़ा पहनो। बोलो ना क्यों लटकाई है ये रस्सी? आकाश के ऊपर जाने के लिए। तुम आकाश पे जा सकते हो? अरे बिटिया हमारा तो खानदान का खानदान आकाश पर है, हमारी एक बेसरानी धरती पर है, तो आज पहुँच जाएंगे। अरे तुमको तो सब कुछ बताना पड़ेगा, फांसी लगाकर और कैसे? उए मामा, फांसी लगाओ के? नहीं तो ऊपर कैसे जाएंगे, पैदल? मगर जाना ही क्या जरूरी है? अरे तुम कहाँ से आकर बस पड़ी हो छोकरी, कौन लगती हो तुम हमारी? हमको चैन से मरने भी नहीं दोगी? बातें तो बहुत बनाते हो, पर इतना भी नहीं सोचा तो इस छोकरी को भूख भी लगी होगी। अरे सत्या तेरा सत्या ना, लेकिन बिटिया हम तुमको क्या खिलाएंगे? अच्छा ठहरो, हम ले आते हैं कुछ तुम्हारे लिए, ये पहन लो। ले आओ बिटिया, ये पी ले आओ। ये क्या है? काफी है? अरे ना काफी है ना काफी है, सत्तू है, सत्तू पी ले आओ। सत्तू? सत्तू क्या होता है? अब हम कैसे बताएं? सत्तू 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 होता है। मगर क्या होता है? अरे बिटिया यही पी पी के हमारे बाप दादा स्वर्ग में पहुंच गए। पियो। अरे वाह, फिर तो मैं भी पहुंच जाऊंगी। नहीं नहीं बिटिया ऐसी बात मत कहो, लो पियो।
देखो बिटिया, अब बरखा भी रुक गई है और तुमने भोजन भी कर लिया, अब तुम अपने घर चली जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। अरे कैसे नहीं जाओगी, तुम्हारे माता पिता परेशान हो गए होंगे, वो बेचारे तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। नौकर चाकर जरूर ढूंढेंगे, मम्मी डैडी को तो फुर्सत नहीं। का मतलब? मेरे मम्मी डैडी को हमेशा जरूरी काम रहता है। तो आज हमको भी जरूरी काम। क्या काम है तुम्हें? अरे मरने से ज्यादा और कोई जरूरी काम होता है क्या? मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। अरे कैसे नहीं दोगी मरने के लिए, चलो जाओ अपने घर को। नहीं नहीं नहीं। अरे छोकरी है ये जी का जंजाल। क्या तुम मुझको बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुमको अच्छी नहीं लगती? नहीं हमको बेवकूफ मत बनाओ, चलो चलो निकलो यहाँ। अरे कैसे नहीं, चलो चलो बस जाओ अपने घर, चलो ऐसा नहीं जाओगी हम देखते। प्रभु माफ करना प्रभु, तनिक देरी हो गई आने में, पर दो चार मिनट में पहुंचते हैं। सत्या, अरे सत्या का सत्यानाश, तू फिर चली आई? मैं कहती हूँ ये रस्सी निकालो, निकालो ये रस्सी। ठीक है, तुम ही रहो बजरंग बली के साथ इस झोपड़ी में, हम ही चले जाते हैं। प्रभु हम दूसरे रास्ते से आते हैं। सत्या, सत्या नहीं। पानी के रास्ते से हमको ज्यादा कष्ट नहीं देना, पानी में फौरन अपने पास बुला लेना। तुमने तो हमको घबरा दिया था। तो क्या तुम मर सकते हो, हम नहीं मर सकते? ऐसी फालतू बात ना करो बिटिया। तो बताओ तुम क्यों मर रहे थे? अब तुमसे का बताएं, हमारी वजह से शारदा देवी का 700 रुपये का नुकसान हो गया, अब हम उनको मुंह भी नहीं दिखा सकते। बस इतनी सी बात है, तुम्हारी जान की कीमत 700 रुपये है? अरे बुद्धू, मेरे डैडी के पास जो ढेर सारा रुपया है ना, अगर वो भी सब दे दे तो एक सत्या नहीं मिलेगा। इतने नौकर चाकर हैं इस घर में, एक बच्ची की देखभाल नहीं कर सकते? किस बात की तनख्वाह लेते हो तुम लोग? तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ शहर के कोना ढूंढो। मिस डैनियल, तुम कहाँ थी? उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम पर थी। बच्चे ड्राइवर के बच्चे को फायर करना मानता। अरे हमारे बच्चे को क्या गोली मारता? तुम टाइम पर स्कूल क्यों नहीं पहुँचा? अरे हम तो बरोबर टाइम पर पहुँचा सर, बेबी स्कूल छूटने से पहले ही गायब हो गया। कहाँ गायब हो गई? अभी क्या भी ढूंढ के लाओ उसे, वरना सबको नौकरी से निकाल दूंगा। पता नहीं किस फुटपाथ पर मेरी बच्ची पड़ी होगी, या रास्ता भूल कर कहीं कोने में रो रही होगी। हे राम जी, हमारी बच्ची की रक्षा करना। मिस गॉम, बेबी की तस्वीर के साथ अखबार में इश्तेहार दे दो, जो कोई उसे ढूंढ कर लाएगा उसे 1000 रुपया इनाम मिलेगा। चलो बिटवा, अब सुई जाओ। बटवा बटवा क्या बोलते हो, नैनतारा क्यों नहीं बोलते? अरे बिटवा, हमारी भाषा में बेटी को कहते हैं। मैं तुम्हारी बेटी थोड़ी हूँ। तो फिर कहाँ हो? मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ। अरे वाह, कितना बड़ा दोस्त है हमारा। अच्छा दोस्त जी, अब तनिक सुई जाओ, पहले रेडियो बजाओ। अरे इस झोपड़े में इतनी रात को रेडवा कहाँ से लाएं? तुम्हारे पास एक रेडियो भी नहीं है। बिटवा है तो सही, पर रेडवा के भोंपू में भंकस है। ये भोंपू में भंकस है किधर, मुझे तो दिखाई नहीं देता। अरे तुमको आम खाने से मतलब या पेड़ गिनने से? देखो नयन तारा जी, अब नयन को कर लो बंद और तारा बिटिया सुनेगी रेडवा। सुई जा, सुई जा तारा हो, सुई जा तारा।
ओ सुई जा तारा हो सुई जा तारा लैके खिलौने सपने सलोने गलियन में आया एक बंजारा ओ सुई जा तारा हो सुई जा तारा लैके खिलौने सपने सलोने गलियन में आया एक बंजारा ओ सुई जा तारा हो छुप दोनों चले यूं बन के रेल तमाशा करें छुप छुप दोनों चले यूं बन के रेल तमाशा करें शोर मचाए चलो जरा सा खेल तमाशा करें तू भी अकेली मैं भी अकेला तू बेसहारा मैं बेसहारा ओ सुई जा तारा हो सुई जा तारा हो रामा हो रामा हो रामा हो का रोज ये गली ये आंगन कितने अकेले लगे हमका रोज ये गली ये आंगन कितने अकेले लगे आज तू आई गरीब के घर घर में मेले लगे का बोलू आगे हमका तो लागे आज ये कुटिया ऊंचा चुबारा ओ सुई जा तारा हो सुई जा तारा हमरी दुहाई बदल के रामा लल्ला ललोरी बनी हमरी दुहाई बदल के रामा लल्ला ललोरी बनी डोर ये फांसी की देखो भाई झूले की डोरी बनी तूने तो आई के हंसी के हसई के बदल दिया है संसार सारा ओ सुई जा तारा हो सुई जा तारा लैके खिलौने सपने सलोने गलियन में आया एक बंजारा ओ सुई जा तारा हो लोरी दूध की कटोरी दूध में पतासा मुन्नी करे तमाशा लल्ला लोरी दूध की कटोरी दूध में पतासा मुन्नी करे तमाशा लल्ला लोरी दूध की कटोरी दूध में पतासा मुन्नी करे तमाशा लेके खिलौने बन जा रहा
पंजे से मिली और आज भी देखा हमारा घर। अरे सत्या तेरा पतियाना, ये तो कितना बड़ा घर है, ऐसा लगता है जैसे भैंस का तबेला। 200-300 भैंस यहाँ पे रह सकती हैं। अच्छा बढ़िया ये बताओ कितने आदमी रहते हैं यहाँ पर? चार। बस ये चार आदमी आपस में एक दूसरे को ढूंढते कैसे होंगे? अरे सांस कैसे लेते होंगे? ना कोई खड्डा है ना कोई छेद है, हवा कहाँ से आती है? ये घर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन? तुम नहीं समझोगे। अरे बेटी दादी, अरे तू कहाँ चली गई थी? तू कहाँ चली गई थी? हम लोग रात भर परेशान रहे। डैडी पहले आप सत्या को इनाम दीजिए, यही मुझे लाया है। तुम कौन हो भाई, ये कहाँ मिली तुम्हें? हमने तो सारा शहर छान मारा। ये सब मैं बाद में बताऊंगी डैडी, पहले आप सत्या को इनाम दीजिए। हाँ हाँ बेटा बोलो, तुम्हारी मम्मी आई। मेरी बच्ची कहाँ गायब हो गई थी तुम रात भर? मारे फिक्र के मेरा बुरा हाल हो रहा था। आप भी तो इतने इतने दिन गायब रहती है, मुझे भी बड़ी फिक्र होती है। बेटे मम्मी तो काम से बाहर जाया करती है। तुम आ गया, किधर गया था? हमारा परमिशन का बगैर किधर गया था? हम तुमको पनिश करेगा। ओ मम्मी साहब, बच्ची को काहे डांट रही हो, हमसे बात करो। शट अप यू डर्टी फेलो। तुम्हारा हम पे बहुत उपकार है, तुम हमारी बच्ची को घर ले आए, ये लो तुम्हारा इनाम। नहीं साहब, बिटिया को हम नहीं लाए, बिटिया खुद हमको यहाँ ले आई। फिर भी ये तुम्हारा इनाम है, ले लो। गजब मुसीबत है साहब, झूठ बात का सच्चा इनाम हम कैसे ले? भगवान को भी तो मुंह दिखाना है। सत्या रुपया ले लो, मैं तो बोल देती हूँ। तारा का दिल रखने के लिए ले लो। हमारी तो सांस फूलती है इतना ढेर सारा रुपया देखकर। 700 ले जाकर फौरन उन लोगों को दे देना, 300 में अपनी झोपड़ी ठीक करवा लेना, बस सब खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हारी सांस नहीं फूलेगी। साहब ये झोली में डाल दो, पैसा हाथ में लेना, हम गरीबों को शोभा नहीं देता। आओ तारा, आओ ये गधा। माँ जी आप हमको गधा क्यों कह रही हैं? और क्या बोलूं, सड़कों पर बोझा ढोता है या नहीं? अरे बोझा तो माँ बाप भी उठाते हैं बच्चों का, तो क्या वो गधा गधी कहलाएंगे? बस बस बातें ना बना, ला पैसा निकाल, पुलिस देख लेगी तो जेल में डाल देगी। हाँ पुलिस, ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये लोग गरीब की मुसीबत समझते ही नहीं। माँ जी हम पर एक उपकार करिए, ये आप ले लीजिए। ला खुश रह, खुश रह जा। माँ जी हा? किसी से कहिएगा नहीं? अरे नहीं रह जा, जा। दादाजी हम बर्बाद हो गए दादाजी, इस ससुर बैंक वालों ने हमको लूट लिया, अब हम क्या करें? सत्या तू पहले रो ले या बात कर, क्या हुआ तुझे? कैसे बताए हम, इस ससुर बैंक वालों का ईमान खराब हो गया दादाजी, उस तस्मित बैंक वाले ने आपके 700 रुपये हजम कर लिए। लेकिन रुपये तो तुमने जमा करा लिए थे। जमा हमने? हाँ, पीछे किताब खो गई थी, वो बैंक वाले ने डाक से मुझे भेज दी। किताब तो उस किताब में ये लिखा हुआ है कि सत्या ने रुपया जमा कर दिया? हाँ लिखा है। बस तेरे की, अब समझ में आ गई बात, हमारी धमकी से वो चश्मिश बैंक वाला डर गया। हम तो पहले ही इंस्पेक्टर बाबू से बोलते रहे कि 2-4 डंडा जमा दो तो कबूल लेगा। तो बिल्कुल पागल है। हम पागल नहीं है, पागल तो इंस्पेक्टर बाबू है, हमसे कहते थे कि पैसा चोर ले गया। बाबू साहब सत्या का बोल बाला और दुश्मनों का काला मुंह काला। क्या बच्चा? अरे उस दिन जब बैंक मैनेजर को हमने धमकी दी थी ना, तो उसने घबरा कर बैंक में रुपया जमा करवा दिया। अच्छा? हाँ, और शारदा देवी के घर में चौपड़ी भी आ गई है, उसमें लिखा हुआ है कि सत्या ने रुपया बैंक में जमा करवा दिया। बाबू साहब ऐसा क्यों किया आपने?
इसलिए कि वरना तुझे जेल हो जाती। हो जाती तो हो जाती, पर इतना बोझा तो नहीं पड़ता हम पर। बाबू साहब, हम आपका हाथ जोड़ते हैं, 1.5 रुपया महीना हमारी पगार में से काट लेना। सत्या, तुम पागल मत बनो, 700 रुपया अगर तुमसे ज्यादा अच्छा है। नहीं बाबू साहब, अगर 1.5 कम पड़े तो 2 रुपया काट लेना। सत्या, तुझे मालूम है 2 रुपए महीने के हिसाब से कितने साल लगेंगे रुपया पूरा होने? है? तो क्या हुआ, इस जन्म में नहीं तो फिर अगले जन्म में पूरा कर देंगे बाबू साहब। सत्या बाबू साहब, तू बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा। मैं पूछती हूँ, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देता? माँ माँ का बच्चा, जब शादी की बात करती हूँ या तो उठकर चला जाता है, नहीं तो मुंह के आगे से बात लेकर। लेकिन माँ, मैं इतनी जल्दी शादी करके क्या करूँगा? क्यों, तो धोती का बच्चा है, तेरे साथ के लड़के 3-3, 4-4 बच्चों के बाप हो गए, वो सब नालायक है। हाँ, एक तो ही लायक है जो माँ की बात नहीं सुनती। बहुत बुरी बात है साहब, पुलिस की नौकरी में दिन रात चोर बदमाशों के साथ रहकर खराब हो जाओगे। माँ जी की बात मान लियो और फटाफट शादी कर लो। तू सच कहता है सत्या, वहाँ कौन से अच्छे लोग आते होंगे जो इसे समझाते? अरे माँ जी, वहाँ तो बड़े गंदे लोग आते हैं। हम तो जब भी चौकी में जाते हैं ना, तो नाक पकड़ कर अंदर जाते हैं, साहब को खाना खिलाते हैं और बगैर सांस लिए भाग जाते हैं। अबे ओ नाक वाले, अब की बार आया ना सीधे अंदर कर दूंगा। ओ बाबू साहब, आप भले ही हमको जेल के अंदर कर दो, लेकिन माँ जी को तो घर की जेल से आजाद कर दो। उन बिचारी को कब तक चूल्हा चक्की करवाओगे? देखो बाबू साहब, जब तक घर के अंदर एक आध महरारू ना हो ना, तो ससुर वो घर थोड़ा ही है, वो तो ईंट का भट्टा है भट्टा। शादी तो करो तेरे कहने से, और अगर माँ को उसकी भी चूल्हा चक्की करनी पड़ी तो आजकल की लड़कियां सती सावित्री नहीं होती, समझे? अरे सती सावित्री का जिम्मा हम लेते हैं हम। माँ जी, सुना आपने? हाँ सत्या, जब भी शादी की बात करती हूँ इसी तरह उल्टे सीधे सुनाकर चला जाता है। लेकिन माँ जी, इसमें बाबू साहब का भी क्या कसूर है, जमाना कितना उल्टा सुलटा हो गया। तो क्या शादी ब्याह होना बंद हो जाएंगे? अरे नहीं माँ जी, शादी ब्याह तो गाय भैंस की भी होती है, तो क्या हमारे बाबू साहब की नहीं होगी? छोकरी हमारे दिमाग में है, लेकिन माँ जी एक तरफ है, हम आपसे एक जोड़ी चांदी के कड़े लेंगे। आज सुना को बुलाकर बनने देती। आज नहीं माँ जी, जिस दिन बाबू साहब की शादी होगी ना, उसी दिन हमको चांदी के कड़े पहनाना। ये रहा बाबू साहब का डब्बा और ये रहा शारदा देवी का डब्बा। आहा, कितनी खूबसूरत जोड़ी है। लेकिन सतिया, तू तो इन दोनों डब्बों से बड़ा डब्बा है रे, ये जोड़ी को मिलाएगा कैसे? गौरी, ए गौरी, क्या है रे? अरे हमको तुमसे काम है। कौन सी मुसीबत आ गई रे? तो रे, तुम जो एक लड़का हो एक लड़की हो। चल हट, शादी के बगैर लड़का लड़की कैसे हो सकता है? तू फिर बदतमीजी कर रही है, हमारा मतलब है एक जवान लड़का है एक जवान लड़की है, तो इनके मन का मोर कैसे नाचेगा? तू नाचने लगा मन का मोर? अरे बोलना, मोर कैसे नाचेगा? जब हम तुमको देखे हैं रिठेना, मन मोर मचावे सोर सोर सोर, मचावे सोर सोर सोर, मन मोर मचावे सोर सोर सोर, मचावे सोर सोर सोर। ऐसा काहे को होवत है रे लैला, ऐसा काहे को होवत है रे लैला, मन मोर मचावै सोर सोर सोर, मचावै सोर सोर सोर, मन मोर मचावै सोर सोर सोर, मचावै सोर सोर सोर। Bye.
रथ बुरी प्रेम की लत चल हट नट खट धरती पे ऐसे ये आकाश फैला मन मोर मचावे शोर 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 मचावे शोर 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 मन मोर मचावे शोर 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 मचावे शोर 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 मत बल तू मई का समझा दे मत बल तू मई का समझा दे हई का बतला दे काहे मतलब ये तू जाने रे सब ऐसा होता है तब पिया प्रेम हो जब हम ई का जान नहीं हमरा प्रेम है पहला मन मोर मचा भाई सोर 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 मचा भाई सोर 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 मन मोर मचा भाई सोर 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 मचा भाई सोर 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 डर तेरा सजन कर दूर से मिलन कांपे तन डोले मन छूने से तू क्या हो जाए घर में ना मन मोर मचावे सोर 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 मचावे सोर 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 जब जब हम तुमको देखे हैर छेला ऐसा काहे को होवत हैर लैला मन मोर मचावे सोर 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 मचावे सोर 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 मन मोर मचावे सोर 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 मचावे सोर 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 बजरंग बली मेरी नाव चली आज बर्तन साफ करा देना अरे ससुर ये फिर से कैसे चली आई मैं तुम्हारी ससुर हूँ हाँ तुम हमारी ससुर हो माता हो पिता हो बहना हो बिटिया हो सारी दुनिया हो लेकिन तुम आई कैसे क्या स्कूल बंद है मेरी स्कूल बंद है लेकिन तुम्हारा स्कूल आज खुलेगा मैं तुम्हें पढ़ाने आई हूँ चलो अरे अरे ठहरो एक मिनट काम कर ले देखो बिटिया रानी हम पढ़ लिख कर क्या करें हमको गांव का पटवारी थोड़ा ही बनना है शर्म नहीं आती इतने बड़े हो गए हो अपना नाम भी नहीं पढ़ सकते मुंह क्या बनाते हो मैं तुम्हें रोज पढ़ाऊंगी अरे सत्या तेरा सत्यानाश अब ये एक बालिश की लड़की हमारी मास्टर जी बनेगी अरे बेटी यहाँ क्या कर रही हो घर चलिए ना मम्मी डैडी नहीं आने देते मैं चुप के आ गई सत्या मेरा दोस्त है ना अरे मगर वो फिर से मिस गिलबर्ट इतना गुस्सा करेंगे कि याद करोगी चलो बेटा गाड़ी में जाके बैठो मैं अभी आई मुझे काम है जाओ जाओ अरे बाप बिटिया रानी तुम तो पुटुर पुटुर अंग्रेजी बोलत हो सीधा सा बैठो अच्छा जी रानी अंग्रेजी नहीं सिखाओगी अरे सत्या पहले अपनी भाषा तो सीख लो बोलो अरे सत्या तुम्हें मुर्गा बनने कौन बोला बोलो लो बकरा बन गए अरे सत्या तुम्हारा सत्यानाश तुम हो किस जन के आदमी बिटिया रानी अब के गलती नहीं होगी अब बताओ एक बार फिर से ये लो और अपना हाथ
अरे बिटिया हाथ लेके तुम क्या करोगी? बकबक मत करो, जो कहती हूँ वो करो, मैं तुम्हारी मास्टर हूँ। अच्छा मास्टर जी, बताओ क्या करना? ऊपर से नीचे जाओ, बीच में लाइन लगाओ, सीधी लाइन लगाओ, दूसरी लाइन लगाओ। अच्छा तुम लिखो। लेकिन शुरू कहाँ से करें? ठीक है, पहले ऊपर उल्टा जाई, फिर नीचे को पलटा खाई, उसके बाद बीच में एक लाइन लगाई और फिर ये लंबी लाइन लगाई, ऊपर एक लाइन लगाई। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। लेकिन मास्टर जी, ये जो है ना, ये लाइन को अगर ऐसे कर दो और ये लाइन को ऐसे कर दो तो ये आप पान का पत्ता बन जाता है। अरे बुद्धू, ये पान का पत्ता नहीं, ये तो अक्षर है। अभी तो तुम्हें बहुत पढ़ना है। तो फिर मास्टर जी, हम आपको गुरु दक्षिणा दही का चाय? अरे बुद्धू, दही की चाय नहीं, चाय तो दूध की होती है। ओहो, हम वो चाय नहीं, हम कह रहे हैं दही का चाय, मतलब यानी गुरु दक्षिणा तो देनी चाहिए। तो फिर कैसे बोलो ना? ये अच्छी मुसीबत, ससुर हम अपनी भाषा भी नहीं बोल सकते। ससुर बसुर क्या, मैं गुरु दक्षिणा वाली गुरु नहीं हूँ, तुम्हारी दोस्त हूँ। फिर भी बिटिया रानी, विद्या सीखने के लिए गुरु दक्षिणा तो देनी ही पड़ेगी। तो फिर रोज एक चॉकलेट देना। बस सिर्फ एक ही चॉकलेट? ठीक है, ये लो। अरे बुद्धू, इसमें कुछ है भी? अरे क्यों नहीं है, हम तो कल से ला के रखे थे। ये रहा गुरु दक्षिणा। और ये रहा केला दक्षिणा। यार नाइस फेलो बुद्धू। हाँ? फिर से फेलो? साथ में बुद्धू। अरे मास्टर जी, हंस रही हो? हंस रही हो? हंस रही हो? शारदा बेटी, शारदा। अब नहा भी चुको, ढेर सा काम पड़ा है। माँ, माँ मेरी चूड़ियाँ कहाँ गई? चूड़ियाँ? हाँ माँ, यही तो निकाल के रखी थी, मगर रखने की जरूरत क्या थी तुझे? हाय, बस सोने की चूड़ी थी। हाँ, तब तो जरूर चोरी हो गई, हम पुलिस में जाके रपट लिखवाते हैं। अरे नहीं रे सत्या, यहीं गई होगी। नहीं शारदा देवी, इस घर में सिवाय हमारे और कौन आता है? ये तो हमारी आबरू का सवाल है, हम पुलिस में रपट लिखवाते हैं। सत्या, सत्या, तुझे अच्छी तरह से मालूम है कि चूड़ियां यहीं रखी थी। हाँ माँ, अभी अभी तो रखी थी, तो फिर क्या हुआ? चूड़ियों को पैर लग गया कि बाहर चली गई? अब मुझे क्या मालूम माँ, तुझे तो कुछ भी मालूम नहीं। अपनी चीज संभाल नहीं सकती, अपना आपा क्या संभालेगी, और फिर अपनी विधवा माँ को क्या संभालेगी? मैं हजार बार कह चुकी हूँ बेटी कि शादी कर ले, तू भी सुखी हो जाएगी और मैं भी तुमका ना लूंगी। माँ हार में गई माँ। शारदा जी देखिए, इंस्पेक्टर बाबू इधर ही मिल गए। शारदा जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ, नमस्ते में ही गाड़ी अटक गई, आगे कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए ना। जी शुक्रिया। सत्या मुझे कह रहा था कि आपकी चूड़ियां चोरी हो गई। जी शारदा जी, हमारे इंस्पेक्टर बाबू बहुत शरीफ आदमी है, और हम मोटर में बैठ के जब निकलते हैं ना तो ऐसे लगता है कोई सही सा जा रहा। चुप रहता। अरे अब्बा, हम आपको ले आए और आप हमी को चुप रहने के लिए कहते हैं। चुप रहता है कि नहीं? अच्छा हम चुप हो जाते हैं, लेकिन आप लोग तो कुछ बोलो। आपकी चूड़ियां सोने की थी क्या? जी। कितना वजन होगा? अरे बाबू साहब, कहां सुनार की तरह वजन तोल रहे हो, कुछ काम की गुफ्तगु करो। फिर बोला। अरे काहे नहीं बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। शारदा देवी, हमारे बाबू साहब है ना, 2-4 महीने के अंदर कमिश्नर बनने वाले हैं। अच्छा हाँ। मुबारक हो आपको। अजी ये तो पागल है, आप बताइए आपको किसी पे शक है? जी मुझे किसी पे शक नहीं, घर में तो सिवाय सत्या के कोई आया भी नहीं। बहुत हो चुकी चोरी की रामायण। अरे शारदा जी से कोई दूसरी बात करो, हमारी शारदा देवी बहुत पढ़ी लिखी है, पढ़ाई में बीए पास किया है पर बिया नहीं किया। हम आप लोगों के लिए चाय लाते हैं। सत्या। हाँ। घर में घुस के चोरी करने की सजा मालूम है? नहीं। अबे भैंसे, 6 महीने तक चक्की पीसेगा चक्की। हाँ, हाँ। अरे हमको क्यों समझा रहे हो, हम समझ के क्या करेंगे? अगर समझ गए हो तो चूड़ियां निकालो। हम कहाँ से निकालें? निकालते हो या? ये लो। उधर दे दो, ये रहा आपका माल और ये रहा आपका चोर। आइंदा होशियार रहिएगा,
वैसे तो आपके चोर की नीयत बुरी नहीं, लेकिन इरादा बहुत खतरनाक है। बाबूजी, ये सब क्या है? अरे सत्या का सत्यानाश कर दिया, अब पूछ रही हो ये सब क्या है? क्या हुआ बेटी, चूड़ियाँ मिल गई ना? अरे माँ जी, चूड़ियाँ तो मिल गई लेकिन असली गहना चला गया। क्या मतलब? मतलब ये कि सत्या के भैंस फूट गए माँ जी। हमने चोरी का ड्रामा किया ताकि दुल्हा दुल्हन आपस में मिल जाए, लेकिन ये दुल्हन तो ऐसी अनाड़ी निकली कि बस चोरी की ही कथा सुनाती रही। माँ जी, हम तो ये सोचत रहे कि मुंह मीठा करेंगे, लेकिन बात उल्टी हो गई, हमारा मुंह काला हो गया है। तनिक साबुन है तो दे दो, हम धो लेंगे। सत्या तू तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। बेटे, मैं मन्नत मानकर आई कि अगली बार आऊंगी तो बहू को साथ लेकर। ये लो प्रसाद। क्या माँ, जब देखो तू शादी की बात करती रहती। क्या बात है बेटे? कुछ नहीं माँ, बस यूं ही। लो प्रसाद। लो चल। बताएं गौ, बाबू साहब को शारदा जी के यहाँ पहुँचा भी दिया, मिला भी दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुलाकात तो हुई ना? हाँ, मुलाकात तो हो गई। तो फिर बात भी हुई होगी। अरे यही तो रोना है, ना बात हुई ना गुफ्तगु। अरे बुद्धू, बात तो जरूर हुई होगी। कैसे? आंखों आंखों में। हाँ, ये आंखें भी गुफ्तगु करती है का? कभी गौरी की आंखों में देखा होता तो मालूम पड़ता। बस अब एक काम कर, डाक बाबू से दो चिट्ठियां लिखवा दे। चिट्ठी? हाँ, एक की चिट्ठी वो की चिट्ठी एक को। मतलब ये कि शारदा देवी की चिट्ठी बाबू साहब को और बाबू साहब की चिट्ठी। अरे गौरी, अरे तू तो बड़ी होशियार है रे, अगले साल इलेक्शन में खड़ी हो जा। घंटी बज गई साहब, खाने का समय हो गया। अरे साहब, खाना ठंडा हो जाएगा। किसने कहा खाना लगाने को, मुझे अभी भूख भी नहीं। साहब आज आप बगैर भूख के ही खा लो, देखो कैसी गरम गरम पूरी लाए हैं। किसी गरीब की जिंदगी चाहते हैं तो आज शाम 5 बजे कंपनी बाग में। किसी मजबूर की जिंदगी चाहती हैं तो आज शाम 5 बजे कंपनी बाग में। ये क्या है, देखने में तो चिट्ठी लगती है साहब। मैं पूछती हूँ ये चिट्ठी खाने के डब्बे में कैसे आई, मैं क्या जानू। अरे मैं पूछता हूँ तो उसको लेके क्यों आया? साहब 50 आदमी के खाने का डब्बा हम सर पर लेकर आते हैं तो क्या शारदा देवी की इतनी सी चिट्ठी नहीं ला सकते? हम जोर से बोल रहे हैं। दरवाजा ये भी बंद कर दे साहब, खिड़की भी बंद कर दे। शायद पहले अपनी जबान बंद कर। जबान कैसे बंद कर रहे साहब, हमको तो दया आती है। जब से आप उस घर में गए शारदा देवी ने खटिया पकड़ लिया, बस रोती रहती। उनकी माँ कहती है किसी की नजर लग गई बिटिया को। क्या बकता है, हम बक नहीं रहे हैं साहब, उनकी माँ ये कहती है कि शायद आप ही की नजर लगी। लेकिन मैंने तो उसे ठीक से देखा तक नहीं। हो सकता है इसीलिए वो बीमार हो गई हो। क्या? अब हमारा मतलब है साहब, नजर का मामला है, न जाने कब कहाँ और कैसे लग जाए। हमारी एक बात माने, एक लाल मिर्ची और तनिक नमक लेके घर पहुंच जाओ, शारदा देवी पर से नजर उतार दो, नहीं तो सारा पाप आप पर होगा। लिखो, सुनीता की गुड़िया बड़ी सुंदर है। सुनीता गुड़िया का ब्याह करेगी। सुनीता गुड़िया का ब्याह करेगी। तो आज शाम 5 बजे कंपनी बाग। मैं नहीं जाऊंगी। अरे क्या करती, पहन देना। क्या लिखा है? सुनीता गुड़िया का ब्याह करेगी, मैं नहीं जाऊंगी। अरे ये मैंने लिखवाया है। तो आज शाम 5 बजे कंपनी बाग में। देखो बच्चों, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अपने आप पढ़। हम्म,
क्या है? साहब ने बोला है आज ये केस जरूर देख लिया। रख दो, मैं कल देख लूंगा, आज मेरी तबीयत ठीक है। गौरी, अरे वो लोग नहीं आए रे? आ जाएंगे। अरे तेरी चिट्ठी वाली बात बेकार गई, वो लोग नहीं आएंगे। अरे बोला ना आ जाएंगे, शर्त लगा तो है। कहा शर्त? अगर वो आ गए तो मैं फटाक से तेरे से शादी कर लूंगी। अगर वो लोग नहीं आए तो? तू फटाक से मेरे से शादी कर लेना। मंजूर है, है? अरे फसा दिया, फसा दिया, फसा दिया। आ, 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 वो लोग आ गए। नमस्ते। नमस्ते। फरमाइए, आपका गुनहगार हाजिर। जी कहिए ना, कुछ कहने के लिए बुलाया है ना मुझे? मैंने बुलाया? अब छोड़िए ये भोलापन, जब दिल की बात चिट्ठी में लिखी डाली फिर शर्माना कैसे? ये आप क्या कह रहे हैं, मैं तो आपकी चिट्ठी देकर चली आई। जी मेरी चिट्ठी? ये अच्छा मजाक है। मजाक तो आप कर रहे हैं, मुझे यहाँ बुलाकर आप सारी बात मुझ पर डाल रहे हैं। मैं जाती हूँ। सुनिए, देखिए दोष ना आपका है ना मेरा, दोष तो ऊपर वाले का है जिसने हम दोनों के दिल की बात जान ली और हमें यहाँ बुला लिया। जी क्यों, ठीक नहीं? छेड़ मेरे हमराही गीत कोई ऐसा, छेड़ मेरे हमराही गीत कोई ऐसा, उम्र भर हम जिसे गुनगुनाते रहे। बिछड़े ये दिल ये पल ये आंखें, ये दिल ये पल ये आंखें, आके ना जाए ये रुत ये दिन ये रातें, ये रुत ये दिन ये रातें, मौसम बागों में आते जाते रहे। छेड़ मेरे हमराही गीत कोई ऐसा, उम्र भर हम जिसे गुनगुनाते रहे। एक दीपक है, सांस है दीपक की बाती, सांस है दीपक की बाती, हम दोनों के दिल बनके तारे ओ साथी, बनके तारे ओ साथी, काली रातों में जगमगाते रहे। छेड़ मेरे हमराही गीत कोई ऐसा, से गुनगुनाते रहे।
बिटिया, ये तुम्हारा खाखा सुनकर हमको याद आ गया वो दक्षिणा जो तुमने खाया नहीं। ये लो, ये है गुरु दक्षिणा। ये है केला दक्षिणा। थोड़ा चॉकलेट दे दू बुद्धू। अच्छा गुरुजी, जय हिंद। बैठा बैठ गए। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। विचारे मत बताओ। नहीं, सबक पढ़ो। पढ़ाओ। काखा काखा गागा अबगा काखा किरे का बोलो। ए सत्या, कहाँ भागी अखरे? घर पे ताला लगा है। अरे हाँ, आज सवेरे सवेरे खोली को ताला मार कर हम भाग निकले। क्यों? वो जो अपने मास्टर जी है ना। कौन? तारा? हाँ, अरे वो पढ़ाते पढ़ाते ऐसा मारते हैं कि नाक में दम आ जाता है। आज हमको मालूम हुआ कि ये बच्चा लोग स्कूल से डांडी क्यों मारते हैं। अरे अगर मास्टर बच्चों को ऐसा मारेगा तो वो लोग पढ़ेंगे कैसे? हाय, गौरी, अरे तेरी आवाज इतनी पतली कैसे हुई रे? अरे मास्टर जी, तू मुझसे भागेगा रे? चलो हमको नीचे उतारो। अच्छा एक मिनट, मास्टर जी। अरे राम, ए गौरी, अरे तेरी टोकरी में ये छोकरी कहाँ से आई? ए मत मत करो, बोलो पापा। ओ मास्टर जी, ये सड़क पढ़ने की जगह है का? हाँ, ये पढ़ने की जगह है, बोलो पापा। पापा। ए तुम क्या दांत निकालती हो? चलो पढ़ो इसके साथ, तुम बोलो। हाँ गुरु देवी, मुझे क्षमा कीजिए, इस बूढ़े तोते को पढ़ाई और मेहरबानी करके मेरी टोकरी छोड़ी, मैं जाती हूँ। ये लड़की का मुर्गा है लड़की? ए तुम पढ़ो, बोलो पापा। ए पापा। अरे ये पुलिस लोग क्या कर रहे हैं? चलो जाके देखेंगे। ये पुलिस वाले कितने अच्छे लगते हैं ना, अगर तू भी पुलिस वाला बन जाए तो तुम सबसे अच्छा दिखेगा। अरे बिटिया, टिफिन वाले को लोग पुलिस वाला कैसे बनाएंगे? हम तो बाबू साहब से कह कह कर हार गए। बस तुम मेहनत से पढ़ो और अपना मन पक्का रखो, तुम जरूर पुलिस बन जाओगे। ठीक है, बिटिया कहती है तो हम पुलिस बनेंगे। एक दिन जरूर पुलिस की वर्दी पहनकर बिटिया को दिखाएंगे और लफट रफाइट भी करेंगे। लफट रफाइट, लफट रफाइट। डैडी डैडी, हमारे स्कूल में पेरेंट्स है, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। पेरेंट्स डे आज है? हाँ। आज तो मुझे फैक्ट्री जाना है बेटा, तुम मम्मी के साथ चली जाओ। वो तो बाहर गई, शाम को आएंगी। अरे मैं तो भूल गया, तो ऐसा करो बेटा, गवर्नेंस के साथ चली जाओ। गवर्नेंस क्या मेरी मम्मी है? ऐसी बात नहीं किया करते बेटा, गवर्नेंस मम्मी की जगह होती है। मिस डैनियल्स, आज तारा के स्कूल में पेरेंट्स डे, मैं चूंकि मसरूफ हूँ तुम इसके साथ चली जाओ। ओह श्योर श्योर, कम थोरा, तुम इधर ठहरू, हम अभी ड्रेस चेंज करके आता है। ओके ओके, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ, मैं अपने सत्या को ले जाऊंगी। सभापति महोदय, बहनों तथा भाइयों, आप लोगों ने अपने बच्चों के स्कूल तक आने का कष्ट उठाया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। मुझे विश्वास है कि आपके बच्चे घर में अपने टीचर्स के बारे में चर्चा करते होंगे। मेरी टीचर अच्छी है, मेरी टीचर बहुत बुरी है, मेरी टीचर बड़ी सुंदर है, मेरी टीचर काली है, मेरी टीचर बड़ी प्यारी है, मेरी टीचर की नाक टेढ़ी है, वगैरह वगैरह। तो लीजिए अब उन्हीं की जबानी अपने बारे में सुनिए, वो अपनी अपनी माँ के बारे में क्या सोचते हैं। टीचर पैसे लेती है और जो मुख पढ़ाती है मम्मी वो कहलाती है। मैं हंसती हूँ तो हंसती है, मैं रोती हूँ तो रोती है, मम्मी ऐसी होती है।
जब डैडी पीकर आते हैं तो आंसू जिसके बहते हैं मम्मी उसको कहते हैं। डैडी के दफ्तर जाते ही जो सिनेमा को जाती है मम्मी वो कहलाती है। मेरे पास नहीं सोती, डैडी के पास सोती है, मम्मी ऐसी होती है। करती हूँ
कि अपने हाथों से बच्चों को इनाम दे। बेबी गीता क्लास में फर्स्ट। बेबी तारा क्लास में फर्स्ट। अरे आप पढ़ाई में भी फर्स्ट आते हैं। बेटी गाना तो वाकई तुमने बहुत अच्छा गाया। हम तुम्हारे माता पिता से जरूर मिलना चाहेंगे। बुलाओ उन्हें। क्यों बेटी कहाँ है तुम्हारे माता पिता? अरे बेटी आप सुनो। चलो चलो आइए आइए पधारिए। आपके दर्शन करके हम धन्य हैं। साहब साहब आपको गलत मुगालता हो गया है। ना ही गलत है ना मुगालता है। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारे देश के सभी माँ बाप आप जैसे। मैंने तुमसे कहा था कि बच्ची के साथ स्कूल जाओ, तो तुम कहाँ मर गई थी? क्या करेगा सर, हम ड्रेस चेंज करने को गया और तारा भाग गया। भाग कैसे गया? और कम वक्त डब्बे वाला वहां कैसे पहुंच गया? सर वही तो हमको भी इलेक्ट्रिक के शॉक के मारे लगा। हम जल्दी जल्दी वहां गया। ओह माय गॉड, वो लोग फारुक का डैडी बनकर फूल का हार पहनकर उधर खड़ा था और सब लोग ताली बजाता था। मैं तो पहले ही कह रही थी ये कोई लंबी चाल चल रहा है। हे भगवान, लोग क्या सोचते होंगे। मम्मी देखो मुझे कितने प्राइज मिले। खूब मजा हुआ साहब। तारा बिटिया को जितना इनाम मिला है ना उतना किसी को भी नहीं मिला साहब। क्या बात है साहब, इतना गुस्से से क्यों देख रहे हो? क्या किया है हमने? तुमने क्या किया है? मेरे सत्या को क्यों मारते हो? मिस डैनियल ले जाओ उसको। कम ऑन बेबी कम ऑन। सत्या सत्या बिटिया सिली गर्ल, आई विल टीच यू टू बिहेव। तुम हमको आया बोला। Go and sit there, and don't try to come out. I'll break your bones. Go and sit there, Dutta. साहब, आप हमको जान से मार डालो। आप बड़े आदमी हैं, पर हम गरीब आदमी का कसूर तो बता दो। तुम गरीब हो? तारा के साथ स्कूल जाकर मेरी जगह खड़े हो गए? नहीं साहब, हम खुद नहीं गए। ये तो बिटिया रानी जबरदस्ती हमको ले गई। हम तो वहाँ कुर्सी पर भी नहीं बैठे साहब, एक कोने में खड़े रहे। भागो मत, हमें बेवकूफ बनाता है बदमाश कहीं का। बेवकूफ तो हम हैं, पर हम बदमाश नहीं है साहब। आप इस कमीने के मुंह क्यों लग रहे हैं? आप पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते इसे? नहीं नहीं माई बाप, हम माफी मांगत हैं। अगर हमसे भूल हुई है तो जो जी में आया सजा दीजिए, पर पुलिस को मत बुलाइए मत बुलाइए। कुंवर जी, ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। इसे बाहर निकालिए, नहीं तो बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर देगा। माँ जी, आपके सीने में तो माँ का दिल है। अगर बिटिया से प्यार करना पाप है तो हम गुनाहगार हैं। आप सब मिलकर हमको जूता मारिए। खामोश, चुपचाप यहाँ से चले जाओ और फिर कभी तारा से मिलने की कोशिश न करना। नहीं साहब नहीं, बड़े में बड़ी सजा दे दीजिए साहब, पर ये सजा हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हमारा ये दुनिया में कोई नहीं है सिवाय भगवान के। न माँ है न बाप है न भाई है न बहन है। साहब, तारा बिटिया भगवान का रूप लेकर हमारा झोपड़े में आई और उसने हमारी दुनिया को संवार दिया है। हमारी दुनिया हमसे न छीनी है। हम बिटिया को देखे बिना जिंदा नहीं रह सकेंगे साहब, नहीं रह सकेंगे। बंद करो ये बकवास। चौकीदार निकाल दो बाहर से। चलो बाहर निकलो। नहीं साहब, ऐसा जुलम ना करो साहब। बिटिया तारा गौरी, क्या है? आज होली है। अरे हमको रंग मत लगाओ,
हम होली नहीं खेलेंगे। कौन फिर नानी मर गई रे जो होली नहीं खेलेगा? देख गौरी, हमने पहले ही सोच लिया था कि बगैर तारा बिटिया के हम होली नहीं खेलेंगे और तारा बिटिया से मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जब देखो तारा बिटिया हम कुछ नहीं है। काहे को मुफक्का भेजा खाती है, तू जाके होली खेल लो। अरे तारा बिटिया। अरे डफर, जिंदगी में गौरी ही काम आएगी, पहले ही जाकर स्कूल से ले आई थे। आजा बिटिया। तुम होली नहीं खेलोगे? अब हाँ, नहीं नहीं खेलोगे? कभी नहीं। बीच गई ब्रिज बाला, अर र र र र र र बीच डगर में राधा को रंग डाला।
में ओ अपने बेगाने रंगे एक रंग में ओ अपने बेगाने तो कैसे फिर कोई किसी को पहचाने रंगे एक रंग में हो अपने बेगाने सामने जो भी आया हमने कुछ ना देखा भाला दुश्मन के भी गले में हमने डाल दी प्रेम की माला माला सोने की जंजीर बस में चोरी हो गई है जनाबी पर शक था उन्हें लेकर आया होंगे आप बैठ जाइए Constable, yes. अच्छा, तो तुम स्वास्थ्य गैंग के मेंबर हो। भगो, ये सब क्या है? बॉस, गोली बॉस, पुलिस, बंद था वो। प्रसाद बॉस, प्रसाद मेरे आड़े आया। काम हुआ? हाँ बॉस। बंद कहाँ है? मर रहा हूँ बॉस मार लिखा ना हो बॉस तुम क्या है एक खुशखबरी लाया हूँ बॉस हमारे मालिक आज घर पे नहीं होंगे हमारा मतलब सिर्फ धनराज से है हाँ बॉस मामला बिल्कुल साफ है मैं इंतजार करूंगा आज रात झगड़ो सुन लिया है बॉस मतलब यस इंस्पेक्टर ओ प्लान सोच लिया यस सर पुलिस आइए आइए देखिए अलबेला कंपनी का मशहूर ड्रामा पुलिस बुलबुले बंगाल और अखंड मिर्जा की मशहूर अदाकारी लहकते हुए गाने और फड़कते हुए डांस ये भी फोकट में आई चालू करो अरे शुरू नहीं करते तो बुलबुल की आवाज सुनाओ ए गौरी की का बदतमीजी है अरे पैर हटा बेसराम मैं ऐसे ही बैठ देख तू पैर हटाती है या हम उठ के चले जाओ क्यों उसके पीछे पड़ी हो इधर हो जाओ ना तेरी बहन का बेटा बहन तो है ही नहीं माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ सुन ले अपने बाप का बेटा मर गया माफ करना बेटा अबे डायरेक्टर के बच्चे खेल क्यों नहीं शुरू कराते सर जी मैं क्या करूं ये देखिए ना अबे मिर्जा अच्छन ये क्या बदतमीजी है आज हमारा मूड ने चला रहा है हमें ड्रामा नहीं देखना है हमारा पैसा वापस करा दो अरे बाप रे अब तो पत्थर भी बरसने लगे अरे शाम अरे थामस हो जाओ देखो ये हल्ला गुल्ला करने से क्या फायदा देर सवेर तो हो ही जाती है अरे ये भी इन्हीं के आदमी है देखते क्या मारो तो ये ले अंडा अरे क्या बदतमीजी है हम पूरी भाजी खाने वाले आदमी हैं ये अंडा क्यों फेंक रहे हो हम पर अच्छा देखो जिस भाई ने ये अंडा दिया है आकर ले जाए देखो भाइयों जब तक ये पर्दा नहीं खुलता है हम शुरू हो जाए देखो जब आदमी शराब का पहला घूंट पीता है ना
तो शेर मोर की तरह खड़ा हो जाता है, और जब शराब का दूसरा घूंट लेता है तो लोमड़ी की तरह हिला जाता है, और जब शराब का तीसरा घूंट पीता है तो सुअर की तरह गटर में जाता है। ये तू डायरेक्टर बना फिरता है, असली हीरो तो ये है, चल पकड़े इसे। मजा आया और हंसाएंगे। सत्या, ओ सत्या, चिल्ला क्यों रही हो? हम मर गए हैं क्या? अभी मरा नहीं बेटे, मर जाएगा। अरे नहीं, हम ड्रामे में काम नहीं करेंगे, हम कोई भाड़ छोड़ा ही है। अरे भाई, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, पाँव पड़ते हैं, हमारी कंपनी की इज्जत रख लो। ये पुलिस का वर्दी हमको पहनाओगे? अरे भगवान कसम, इस पुलिस की वर्दी में तुम ऐसे जचोगे, ऐसे जचोगे, ऐसे जचोगे। मिर्जा अच्छा अपना मुंह पीट कर रहा है। अरे बस, ये वर्दी के लिए तो हम भाड़ भी बनने को तैयार है। जी हो, जी हो, जी हो। इसका टोपी कहाँ? अब हमको करना क्या? अभी हमारा शो शुरू होने वाला है, अब तुम इस लेटर बॉक्स में चुपचाप बैठे हो, बदमाशों की बातें सुनते हो और अंदर से लेटर पकड़ लेते हो, क्यों, क्या समझे? लेकिन हम ये बक्से में घुस सकेंगे? क्यों नहीं, ये देखो, ये पत्ता खुला और ये हीरो अंदर दाखिल हुआ। क्यों, क्या सारा है ये इमेजिनेशन? समझ गए, हम सब समझ गए, अब तुम भी ड्रामा देखो। अरे मंगू तू, ये चिट्ठी डाल दू फिर चलता हूँ। गधे चिट्ठी तो डाल। अरे काहे में डालू? अरे लेटर बॉक्स में डाल। अरे लेटर बॉक्स तो है नहीं। अरे मैं बोलता हूँ ना कि मटके में पंजा आएगा, कैसे नहीं आएगा? अरे तुम हमारी बात तो देखो, जरा ठहरो, मैं ये पत्ता डाल दूँ, फिर चलते हैं। और देखो, अगर ओपनिंग में पंजा आ गया तो याद रखो क्लोजिंग में तिया धर। क्या हुआ? हा? अरे मियाँ, ये गवर्नमेंट ने लेटर बॉक्स के हाथ पांव बनाना शुरू कर दिए हैं क्या? हाथ पांव? अरे हाँ, अभी अभी हाथ निकाल के मुझसे खत लिया ना। खत? दत्ता साहब, इसीलिए तो कहता हूँ दिन में मत किया करो। अब हम क्या करें? वो लोग तो खत इसमें डाल गए हैं, अब हम कहाँ डालें? अरे नमस्ते छोटे भाई, ये लो तुम्हारी अमानत, पहुंचा देना। बजरंग बली मेरा डब्बा चला, दिया से हमको मिला देना। अरे क्या हुआ? हवलदार, एक लेटर बॉक्स भाग के आया है। लेटर बॉक्स? हाँ, वो जो खत डालते हैं बक्सा वो? हाँ हाँ। अरे होली से पहले ही भंकी गोली खाली, जो नशे की बात कर रहा हूँ, बक्सा कैसे चलेगा? उसके अंदर एक आदमी छुपा हुआ था हवलदार। बक्से में आदमी? हाँ, ढूंढ ढूंढो। गवर्नमेंट की चोरी करता है, निकल बाहर, निकल। देखो हम खोलते हैं, निकलेगा तो फौरन पकड़ लेना। पकड़ेंगे। रेडी? देखो वो जो नाटक कंपनी है ना, ये डब्बा उधर पहुंचा दो। चलो चलो भाई, चलो। किसी का नुकसान क्यों करे? अरे संभालो भैया, अरे संभालो भैया, माफ कर दो, अरे मुझे माफ कर दो, हमारी गलती हो गई, हम आपसे माफ कर दो बल्लार साहब, माफ कर दो भैया, मुझे माफ करो बल्लार साहब। अरे बाबा आप हमको माफ करो। अरे बाबा आपकी जगह अगर कोई दूसरा आदमी होता ना तो लफड़ा हो जाता, माफ कर दो। हवलदार साहब गलती हमारी है, डबल आए हैं,
माफ कर दो आप लोग डबल आए हैं जरा हमको उठाओ उठिए आप लोगों ने कानून को तोड़ा है ठीक है हम ऐसा कर देंगे आप डबल तो क्या सिंगल भी नहीं जा पाओगे ये क्या क्या हवा निकाल दी अब ज्यादा बात करोगे तो तुम्हारी भी हवा निकाल देंगे खुश चलाओ किसको यहाँ से अच्छा अच्छा चलाओ चलो भाई फंस गए खबर मिली है शेर सोना स्मगल करता है इंस्पेक्टर साहब आपके पास सर्च वारंट है इसको सर्च वारंट दिखाओ आप सर्च वारंट देखेंगे जी ये कोई बात नहीं मिस होम्स और वारंट देखना है सत्या गौरी नाटक से कहां भाग गया था और पुलिस गौरी यहां सब गड़बड़ हो गया है सुन ए, तुम कौन है यहां काय के लिए आए हो बेबी हम पुलिस वाले हैं मगर यहां तुम किसकी इजाजत से आए हो मैं कहती हूं किसी चीज का हाथ मत लगाना बड़े तेज है ये सांप के बच्चे ए हमारे डैडी को गाली मत दे अच्छा ले ले इसको बंद कर दो उसे अरे मार दिया रे खून नहीं छोड़ेंगे बापू ये ले तो भी पछाड़ तू भी आ जा अरे अरे मुक्काबाजी क्या कर रहे हो कुश्ती लड़ा तो जाने आवा जय बजरंग बली आज 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 Arrest them.
डायरेक्टर, ये सब क्या हो रहा है? सर, स्वास्तिक गैंग वाले पुलिस का फेस बदलकर आपका मकान लूटना चाहते थे। माय गॉड। फिर? लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन वक्त पर मिल गई और हम मौके पर पहुंच गए। कुछ डाकू पकड़े गए हैं और कुछ भाग गए। सर, उन्हें पकड़ना तो हमारा काम है। आप देख लीजिए आपको कितना नुकसान हुआ है। तारा, मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची कैसी है तू बेटा? डैडी, मैंने भी सोनम से खूब फाइटिंग की। शाबाश मेरी बहादुर बच्ची। अच्छा, हम चलते हैं। आप पूरी तरह चेकअप कर लीजिए, अगर और कोई कंप्लेंट हो तो हमें भिजवा दीजिए। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट इंस्पेक्टर। क्या हुआ तुम्हें और ये क्या है? कम बेबी, कम कम माय स्वीट बेबी, से गुड नाइट टू डैडी। गुड नाइट डैडी। अरे सत्या, तुम अचानक कहां गायब हो गया? साहब, वो तारा बिटिया के पिताजी आ गए थे तो हम डर के मारे खिसक गए। अरे पागल, तुझे पता है तूने कितना बड़ा काम किया है? अरे मैंने तो तेरी सिफारिश भी कर दी है कि तुझे पुलिस में भर्ती कर दिया जाए। तेरी बहादुरी और हिम्मत की वजह से हम इतने बड़े गैंग को पकड़ सके। लेकिन साहब, हमको कुछ फायदा नहीं हुआ। हम तो ये सोच कर गए थे कि ये ड्रेस पहनकर बिटिया रानी को दिखाए। कोई बात नहीं, अभी जाकर आते हैं। अरे सत्या, अरे तू ये झूठा ड्रेस पहन के बिटिया रानी के पास जाएगा? अरे कुछ दिन ठहर जा, भगवान ने चाहा तो तुझे असली ड्रेस मिल जाएगी। फिर शान के साथ जाना बिटिया रानी के पास। ये भी अच्छी बात है बाबू साहब। अच्छा साहब, घर जाते हैं। अरे ये ड्रेस तो उतार जा। अरे ड्रेस कैसे उतारे, क्या नंगे घर जाए? अरे हवलदार, एक धोती और कुर्ता लेके आ। इस तरह दिमाग खराब करने से क्या होगा बॉस? अपने आदमी पकड़े गए तो क्या हुआ? चंद्रो ससुराल की रोटियां तोड़कर वापस चले आएंगे। और जब तक वो इंस्पेक्टर प्रसाद मुर्गे की तरह गर्दन ऊंची करके अखड़ के चलता रहेगा। जग्गू पे भरोसा नहीं है बॉस, तुम्हारी दुआ चाहिए। न वो प्रसाद रहेगा न वो अकड़ी हुई गर्दन। अरे जान की कसम जग्गू, इस गर्दन को तो मैं अपने हाथों से मरोड़ कर फेंक देना चाहता हूं। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये कमबख्त वहां पहुंच कैसे गया? और वो टिफिन वाला भैया पुलिस की वर्दी पहनकर वहां कैसे पहुंच गया? ठीक याद दिला दिया बॉस, उस टिफिन वाले से वैसे भी मुझे एक हिसाब चुकता करना है। दोनों का काम एक साथ कर दूंगा। माजी, ओ माजी! सत्या, मुबारक हो, मैंने प्रसाद की मंगनी तय कर दी। जय बजरंग बली, ये तो हम पहले से ही जानते थे माजी। सत्या का काम कच्चा थोड़ी होता है। लेकिन माजी, ये मुबारक सूखी सूखी क्यों है? नहीं रे सत्या, मैंने ढेर सी मिठाई बनाई है, ये डब्बा भरा हुआ है। ले, पहले तू खा ले, फिर प्रसाद और पुलिस के ऑफिसरों में बात। नहीं नहीं माजी, ना तो पहले हम खाएंगे ना बाबू साहब, हम तो पहले बांटेंगे। इज्जत आबरू का सवाल है, तनिक जास्ती कमती हो गया तो थाना चौकी के अंदर हमारी नाक कट जाएगी। अच्छा माजी, बजरंग बली मेरी नाव चली, अरे नैया पार लगा देना, अरे नैया पार लगा देना, बजरंग बली मेरी नाव चली, अरे नैया पार पार लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, तुम नैया पार लगा देना। अरे बजरंग take
it back to Molly waiting at the door. And as he gives it to her, she begins to sing. Oh, bloody, oh, bloody. बिटिया, बिटिया। अरे सत्या, तुम घर क्यों नहीं है? यहाँ कैसे आ गए? बिटिया, वो तुम्हारे पिताजी साहब है ना, जिन्होंने हमको मारा था, हम उनके डर के मारे घर नहीं आते। सत्या, तुम नहीं आते, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, लेसन भी याद नहीं होता। अच्छा, ऐसा करो, तुम रोज यही आ जाए करो। हाँ बिटिया, जरूर आएंगे। बैठो बिटिया, आज बहुत खुशी का दिन है। देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ये देखो जलेबी। ये कैसी मिठाई है? हमारे इंस्पेक्टर बाबू साहब है ना, उनकी शादी है, उनकी खुशी में सारी दुनिया मिठाई खाने वाली है, तो हमने सोचा हमारी बिटिया क्यों ना खाए। लो खाए लो। अभी खाऊंगी तो टीचर गुस्सा करेगी। तो खाने के समय में खाना, हम पत्ते में बांध कर देते हैं। हाँ ले। अच्छा मैं जाती हूँ। टाटा। टाटा बिटिया, टाटा। सोमवार है ना मंगलवार है, आज तो खुशी वार है, बाबू साहब की सगाई का दिन है। अरे आज डांटो या पाटो हम चुप नहीं रहेंगे। चलो खाने का समय हो गया। जब बांध रख दो, मैं बहुत बिजी। अरे ना बिजी ना फिजी, माँ जी ने कहा कि सबको बुलाओ और सबको जलेबी बांटो। ओहो मैं अपने हाथ से बांट लूंगा, तुम जाओ। लेकिन माँ जी ने तो कहा था कि सत्या दो जलेबी तू भी ले लेना। तो ले लो। अरे ऐसा थोड़ी लेंगे, आज खुशी का मौका है, तनिक मुस्कुराहट दो मुंह पर, उसके बाद अपने हाथ से जलेबी दो। तू नहीं मानेगा हा? अरे साहब खुशी का मौका है, घड़ी घड़ी थोड़ी सगाई होगी। शुक्रिया साहब, जा, जा। और मुबारक। अरे हाँ बेटा सतिया, खुशी की जलेबी है। अरे सतिया, तो मिठाई लिए बैठा है। ए गौरी नजर मत लगा, ले तू भी खा ले। पर कहां से लाए रे? अरे प्रसाद बाबू की सगाई की मिठाई। ये बात है तो मैं नहीं खाती। काहे को? गौरी मिठाई खाएगी तो गौरी और सत्या की शादी की खाएगी। तब तो तू 2-400 बरस तक मिठाई नहीं खाएगी। तो। अरे अरे धर। अरे ये क्या किया बजरंगबली, न खुद खाया न हमको खाने दिया, मिट्टी में मिला दिया। नजर लग गई तेरी। क्या रहा तेतीस? अरे तुम भी आ जाओ, साहब का हुक्म है आज सब मिलके खाएंगे। चलो चलो। का मौका है, खूब पेट भर के खाओ, साहब को शादी की हथकड़ी लग गई। चलिए शुरू कीजिए। सुनो ये जरा कैदियों को बांटो। संगम होटल से सबके लिए खाना मंगवा लो। बहुत अच्छा। लक्ष्मी रानी बिमला आओ आओ जल्दी आओ। क्या है? एक चीज है, देखो लो जलेबी खा लो। बस एक जलेबी के लिए इतना शोर? ये कोई मामूली जलेबी नहीं है, हमारा सत्या लाया है। सत्या? वो टिफिन वाला? हाँ हाँ, बड़ा अच्छा आदमी। अच्छा आदमी तो पैंट और शर्ट पहनते हैं, वो तो धोती कुर्ता पहनता है। तो चल के किताब में देख लो, बड़े बड़े आदमी धोती कुर्ता पहनते हैं। वो तो गंदा भी है। मेरी सत्या को गंदा कहती हो? लाओ मेरी जलेबी। तो ले लो ना,
उस गंदे की जलेबी कौन खाएगा? चलो जाओ जाओ सब जाओ, मैं खाऊंगी सारी जलेबी, मैं खाऊंगी। तो खा लो ना, मेरे सत्या को गंदा कहने वाले खुद गंदे हैं, मैं खाऊंगी। ये देखिए माँ जी, चांदी के कड़े तैयार करके लाया, बड़े सुंदर है, मेरा सत्या खुश हो जाएगा। सत्या, तूने तो अपना वचन पूरा कर दिया, अब मुझे अपना वचन पूरा करने दे ना, मैं तेरे हाथों में कड़े पहना दू। अरे शर्मा रहा है, माँ से भी कोई शर्माता है? ला, ला। ये क्या, मेरे सत्या के हाथ में हथकड़ी? बेटा बेटा ये सब क्या है, तो बोलता क्यों नहीं, कुछ तो बोल। माँ बात ही कुछ ऐसी है, सत्या कुछ जाना ही होगा। नहीं, ठहरो ठहरो, इसको कहाँ ले जा रही हूँ, इसने क्या किया है, किसी की चोरी की है, डाका मारा है, क्या किया है? बाबू साहब रोकिए ना, बाबू साहब रोकिए। मैं मजबूर हूँ, सत्या पर मिठाई में जहर मिलाने का इल्जाम है। बाबू साहब ये सब झूठ है, बाबू साहब सब झूठ है। हमारी तरफ देखो बाबू साहब, कैसे लगता है कि हम आपको जहर देंगे, का हम हमारी तारा बिटिया की जान लेंगे। कभी कभी कानून की आंखों में भी पट्टी बन जाती है, लेकिन भगवान सब कुछ देखता है। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, कोई बात नहीं, बच्ची खतरे से बाहर है। आपने ठीक वक्त पर बुला लिया मुझे, जहर निकल चुका है। थैंक यू डॉक्टर। लेकिन इस बात का ख्याल रहे, बच्ची को पूरे आराम की जरूरत है। जी हाँ, सामान बांध लो। मैं तो उसको सीधा साधा समझती थी, तारा को उससे मिलने मना कर दिया तो उसने यूं बदला लिया, लाले पड़ गए मेरी बच्ची की जान के। तारा बेटी, तारा। बाबू साहब, कैसी है तारा, ठीक तो है ना? हालत काफी खराब है, लेकिन बच गई। बच गई, हमारी बिटिया बच गई। भगवान आपको सुखी रखे बाबू साहब। गरीब को ऐसी खबर सुनाई, ऐसे लगता है जैसे हमको नया जीवन दे दिया। हमारी तारा बिटिया ठीक हो जाए, फिर भले हमको फांसी पर चढ़ा देना। घबराओ नहीं सत्या, तुम भी बहुत जल्दी छूट जाओगे। बाबू साहब, हमारा आगे पीछे रोने वाला कौन है जो हम घबराएं?
बस इतना दुख जरूर है कि हम अपने बाबू साहब को दूल्हा बने नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं सत्या? मैंने फैसला कर लिया कि जब तक तुम छूट नहीं जाते ये शादी नहीं होगी। नहीं नहीं बाबू साहब, ऐसी गलती नहीं करना। अगर इस लगन में शादी नहीं हुई तो दुनिया शारदा देवी को बदनाम कर देगी। अब हम कैसे कहें, हमारी जबान कट जाए, दुनिया शारदा देवी को मनहूस कहेगी। मगर अगर मगर हम कुछ नहीं जानते बाबू साहब, अब शारदा देवी की आबरू आपकी आबरू है। अगर आपने शादी नहीं की तो हम इसी कटहरे में अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे देंगे। सत्या, ये क्या कर रहे हो? हमारी बात मान लो बाबू साहब। ठीक है सत्या, जैसे तुम कहो। जीते रहो बाबू, जीते रहो। बाबू साहब, सबको न्योता दे दिया है ना, देखना कोई रह ना जाए। नहीं सत्या, सबको दे दिया है। काहे को बड़ा बोल बोलते हो बाबू साहब? सत्या को कहां न्योता दिया आपने? सत्या नहीं बाबू साहब, ऐसे नहीं। हंस के बोलो बाबू, हमारी शारदा से शादी हो रही है। सत्या तुम जरूर आना, बोलो बाबू। हमारी शारदा से शादी है। सत्या, सत्या तुम जरूर आना। सत्या जरूर आना। गया है, उसे जेल में बंद करा दिया, फिर भी नहीं भूलती है उसे। जेल में बंद करा दिया? मैंने सत्या को जेल में बंद करवा दिया, लेकिन क्यों? तुझे जहर दिया था। मां जी, क्या कह रही हैं आप? डैडी, ये सब झूठ है डैडी। सत्या ने मुझे जहर नहीं दिया, वो तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ बेटा, सत्या बहुत अच्छा है, डैडी से भी अच्छा है। तो फिर उसे बुलाइए ना, मैं अपने सत्या से मिलूंगी। अब चुप्पी हो जाओ बेटे, सत्या ने कहा है कि तुम आराम से सो जाओ। सच मम्मी, सत्या ने कहा है? हाँ बेटे, उसी ने कहा है। तो फिर मैं सो जाती हूँ। सत्या, बाबू साहब भगवान राम सीता की जोड़ी बनाए रखे। बाबू साहब, आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया, जो दुल्हा बनकर दिखा दिया। सत्या, सच जानो, ये शादी हमने सिर्फ तुम्हारी खुशी पूरी करने के लिए की है। माँ के पांव छू के हम सीधे तुम्हारे पास आए हैं। ये लो मिठाई, माँ ने भेजा। हम अपने हाथों से आप लोगों को खिलाएंगे शारदा देवी। हे प्रभु, बेटा बेटी से इनकी गोद भर देना। सत्या, कानून की झूठी जंजीरों ने तुम्हें जकड़ लिया है, लेकिन भगवान का सच्चा न्याय तुम्हें बहुत जल्दी बेगुनाह साबित कर देगा। हमारे लिए प्रार्थना न करो बाबू साहब, हाथ जोड़ो कि भगवान जल्दी तारा बिटिया को अच्छा कर दे और वो खेलने कूदने लगे। सत्या, तुम्हारा मन कितना पवित्र है और तुम्हारी आत्मा कितनी महान है। हमारी तारीफ करो तो शारदा देवी, ये तो आपका बड़ापन है। बाबू साहब, दुल्हन को जल्दी से यहाँ से ले जाइए, नई दुल्हन का थाने में आना अच्छा नहीं लगता। जाइए बाबू साहब, जाइए। अरे गौरी, क्या बात है? अरे क्या है? अच्छा, हाँ साहब। लो पियो यारो, पियो। आज उस्ताद जग्गू के नाम से पियो और एक तीर से दो शिकार करने के उस्ताद ही सीखो। गौरी तुम आ जाइए।
गौरी, अब और न तड़पा मुझे। दूर हट, बात मारता है। तेरी खोपड़ी तक दारू चढ़ गई थी। दारू? दारू तो नामर्दों को चढ़ती है। ये जग तो मर्द का बच्चा है, मर्द का। मुझे तो औरत की मस्ती का नशा चढ़ता है। अरे तेरे इस छमाछम चौबन ने तो साला मेरा सबूर खलास कर दिया है। क्यों रे, हाँ क्यों, आज तक मेरे दिल का सीख कबाब क्यों भूनती रही? चुप बेशरम, हार जाए। कभी नजर पर देखिए गौरी की जवानी, मैं ही दीवानी तेरे लिए दिल पकड़ पकड़ कर इतने दिन निकालती रही। साला मैं ही बुद्धू हूँ। देख गौरी, मैं तो सोचता था कि वो साला सत्या डिब्बे वाला ना, उसके पीछे तू हमेशा लट्टू जैसी घूमती रही। वही तो हमारा सुपचाल है। डॉक्टर, औरत जिस पर दिल लुटाती है उसी का दिल जलाती है। अच्छा, तू खरा मर्द होता तो अपनी गौरी के लिए सत्या का खीमा बनाकर उसी के टिफिन के डिब्बे में भर देता। तेरे जवाने की कसम, उस सत्या को मैंने ठिकाने लगा दिया है। हाँ हाँ, बंडल मत मार। बंडल मारने वाले की ऐसे की तैसी, सत्या की मिठाई में मैंने ही जहर मिलाया। मैंने एक तीर में दो सिगार, एक इंस्पेक्टर प्रसाद और वो साला टिप्पे। प्रसाद तो अपने नसीब से बच गया, लेकिन तेरे मेरे अच्छे नसीब से उस डब्बे वाला का सफाया हो गया। ये अब तो भाजा मेरे रानी, इस जग्गू के दिल को ठंडा कर दे। चल हट, और क्यों रे, अखा तुझे ठंडा करती हूँ। इस तक का तुम आप नहीं पढ़ सकते मुझसे। आजा, चाकू फेंको, फेंको। इंस्पेक्टर, तुम्हारे फंदे से तो मैं निकल आऊंगा इंस्पेक्टर, लेकिन याद रख गौरी, तू मेरे फंदे से नहीं बच सकती। राजा, चलो चलो। साफ चाबी आओ सर। असली गुनहगार पकड़ा गया, अब तुम जा सकते हो। बाबू साहब, हम तारा बिटिया को मिलने जा सकते हैं? हाँ हाँ जाओ। अच्छा बाबू साहब, इसीलिए तेरे को जेल से छुड़ाया रे, पहले इधर देख, मुझसे बात कर। गौरी हाथ छोड़ दे, हमको देरी हो रही है। सत्या, थु। देखा साहब, हाथ छुड़ा कर चला गया, कैसा बेदर्दी है। अरे वो तो ऐसा ही है, लेकिन तू कौन सी कम है, बहुत दादागिरी करती है। मैं दादागिरी नहीं करती साहब, सिर्फ कड़क बोलती हूँ। मैं तो नारियल हूँ नारियल, बाहर से कड़क अंदर से नरम। कड़क न रहूं तो अपनी लाज को कैसे बचाऊं। मैं अकेली रहती हूँ गुंडों के बस्ती में, न माँ न बाप, कोई आगे तो पीछे, सिर्फ एक सत्या को अपना माना है, वो भी मेरी परवाह नहीं करता। साहब, मैं कब तक अंदर ही अंदर मरती रहूँ, कब तक, कब तक? अरे तू फिर यहाँ आ गया? तारा बिटिया कैसी है? तूने तो मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वो तो भगवान की कृपा हुई जो बच गई। हम थोड़ी देर के लिए बिटिया से मिल लेते हैं। क्या, अबे उस दिन की मार भूल गया? नहीं साहब, हम जाते हैं। चल हट। तारा बिटिया, आंखें खोलो बिटिया, देखो हम तो हर सत्या
देखो बिटिया। सत्या? हाँ बिटिया। तुम इतने दिन से कहाँ थे सत्या? अरे बिटिया वो तुम हमारी फिक्र छोड़ो बिटिया, तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम आ गए हो, मैं अच्छी हो जाऊंगी। जरूर अच्छी हो जाओगी बिटिया, जरूर अच्छी हो जाओगी। लेकिन बिटिया हमने तुम्हारी मिठाई में जहर नहीं मिलाया, हमको करीब जानकर लोगों ने हमको फंसा दिया। मैं जानती हूँ रिपुजू, तुम मुझे जहर दोगे, तुम तो अच्छे हो, डैडी से भी अच्छे। बिटिया हमको तुम्हारे डैडी से बहुत डर लगता, अगर वो हमको यहाँ देखेंगे तो बहुत मारेंगे। पुलिस बन जाओ फिर किसी से डर नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा बिटिया हम जरूर पुलिस बनेंगे, अपने लिए नहीं तो अपनी बिटिया रानी के लिए। हाँ मिस डैनियल्स। बिटिया हम चाहते हैं, तुम सो जाओ। लक्ष्मी यहाँ कोई आया था? नहीं मालिक, कोई नहीं आया। आइए दीवान साहब। चलो इंस्पेक्टर। ये रहा आपका आदमी। मैं ये तावीज लाया हूं जो इसका है, भागते वक्त इसे खिड़की में छोड़ गया था। मैं चाहता हूं कि इसे चोरी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। नहीं साहब, नहीं, बड़े से बड़ी गाली दे ले पर हमको चोर मत कहो। हम तो वहां बिटिया से मिलने गए थे, चोरी करने नहीं। तुम चोर से भी बदतर हो। अगर तुम मेरे घर से लाख रुपए भी चुरा लेती तो मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन तुमने मेरा सब कुछ लूट लिया, मेरी अकलौती बच्ची का प्यार मुझसे छीन लिया। ऐसे बड़े बड़े शब्द मत बोलो साहब, हमारा पाप सिर्फ इतना ही कि हम रानी बिटिया का प्यार अपने मन से नहीं निकाल सकते। ससुर एकदम भीतर घुस के बैठ गया है। सत्य मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं अगर चाहूं तो सारा शहर खरीद सकता हूं, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने हाथ फैलाता हूं कि मेरी बच्ची की मोहब्बत मुझे लौटा दो। ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो। आप रानी बिटिया के पिताजी, गरीब के सामने हाथ फैलाकर हमको मिट्टी में न मिलाओ साहब, न मिलाओ। तो वादा करो कि तुम उसे कभी नहीं मिलोगे, भूल जाओगे उसे। नहीं साहब नहीं, हम बिटिया को अपने मन से नहीं भुला सकते। हाँ हम वादा करते हैं कि हम बिटिया से कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन उससे क्या फायदा, बिटिया को कौन समझाएगा? वो हमारे बिना नहीं रह सकती, भागकर हमारे झोपड़े में चली आएगी। एक तरकीब है साहब, एक तरकीब है। आप बिटिया से कह दीजिए कि सतिया नदी में नहाते नहाते डूब कर मर गया और हमारी ताबीज बिटिया को दे दीजिए, बिटिया मान जाएगी। वो जानती है कि सतिया को तैरना नहीं आता, वो रोएगी जरूर। लेकिन साहब आप गुस्सा ना करना, उसको प्यार से बहला देना, दो चार दिन में वो सतिया को भूल जाएगी साहब। बच्चा ही तो है ना, बच्चा ही तो है। मम्मी। हाँ बेटे। सतिया नहीं आया, कब आएगा वो? बोलो ना मम्मी, कब आएगा? अब वो नहीं आएगा, सतिया मर गया। हाँ नदी में नहाने गया तो पानी में डूब के मर गया। सत्या मर गया? डैडी, डैडी। हाँ बेटा, वो तैरना नहीं जानता था ना, तो डूब गया। ये देखो वो अपनी ताबीज छोड़ गया है, ये देखो बेटा, देखो। क्यों मर गया? क्या तारा? हाँ तारा, तारा, तारा बेटा, तारा। डॉक्टर को जल्दी करो। तारा, तारा बेटे, तारा। सत्या। कहाँ है जी? ये हल्ला क्यों बोला? अब कौन सा कानून तोड़ा है हमने तुम्हारा? हम तो मास्टर जी से मिलने के लिए भी नहीं गए, सिर्फ उनके बारे में सोच रहे थे।
अरे क्या सोचना भी बाप है। इंस्पेक्टर साहब का हुक्म है कि तुमको पकड़ कर लिया है। ठीक है तो चलो हमको जेल के अंदर बंद कर दो, ये तो और भी अच्छा। जेल के बाहर रहेंगे तो कितनी भी कोशिश कर ले हम अपने मास्टर जी के पास पहुंच जाएंगे। एक बार जेल के अंदर चले जाएंगे तो न रहेगा बात न बजेगी बंसरी। चलो कोशिश की लेकिन बच्ची की जिंदगी अब तो भगवान ही के हाथ में। लेकिन कोई इलाज तो होगा, कोई दवा तो होगी। दीवान साहब निराश मत होइए, हम तो कोशिश कर ही रहे हैं ना। इसकी जिम्मेदार मैं हूं, अपनी शोहरत के लिए सारी दुनिया में अपना झूठा प्यार बांटती रही, अपनी बच्ची को दौलत के झूठे खिलौनों के भरोसे उसे अकेला छोड़ दिया। उसे माँ का प्यार चाहिए था जो कि मैं उसे कभी नहीं दे सकी, कभी नहीं दे सकी, कभी नहीं दे सकी। अरे छोड़ो, हमको मालूम है कहाँ जाना। एक बार हम जेल के अंदर क्या चलेंगे, घड़ी घड़ी अंदर कर देते। अब ताला मत मारना, हम उम्र भर अंदर ही रहेंगे। सत्या सत्या वहां का ढूंढ रहे हो हम अंदर में। अरे अंदर क्या कर रहा है? कोई कोई पुलिस वाला घर में भेज दिया, वो बोलते हो अंदर क्या कर रहा है। अरे मैंने तुझे बंद करने के लिए थोड़ी बुलाया। फिर कहा है तो? अरे गधे, सरकार ने तुझे पुलिस में नौकरी दे दी है, नौकरी। अरे सरकार जब हम पुलिस हो गए, हम पुलिस हो गए, पुलिस हो गए। साहब हमारी वर्दी कहाँ है? अरे इसकी वर्दी ला, जल्दी लाना। ये लो। जय बजरंगबली। साहब सबसे पहले हम ये ड्रेस पहन के अपने मास्टर जी को दिखाएंगे, उनको सलाम मारेंगे और फिर मार्चिंग करेंगे। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। सत्य, आओ। हम अंदर आ जाएं साहब, हम का गट आउट तो नहीं करोगे? हम एक बार मास्टर जी को ये पुलिस का ड्रेस दिखा दें, फिर चले जाएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। साहब हम सचमुच का पुलिस बन गए, सरकार ने ये ड्रेस हमको बख्शीस में दिया है, मास्टर जी का सपना पूरा हो गया। वो हमको जो ड्रेस में देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। बस साहब सिर्फ 2 मिनट हमको मास्टर जी से मिलने दीजिए, फिर हम कभी नहीं उनसे मिलेंगे। हम आपका हाथ जोड़ते हैं साहब, पांव पड़ते हैं। जाओ सत्य, सारा ऊपर, आज तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। साहब तारा बिटिया, ए हो मास्टर जी। अच्छा तो आज आवाज भी नहीं दोगी, ठीक है तो हम भी सामने नहीं आएंगे। हाय, कोई जवाब नहीं, समझ गए। बहुत दिनों से हम मिलने नहीं आए ना, इसलिए मास्टर जी हमसे नाराज हो गए। लेकिन मास्टर जी आज हम आपको ऐसा सबक सुनाएंगे कि आपकी तबीयत भी खुश हो जाएगी। सुनाए, ऑस है पुलिस, कास है कांस्टेबल, और बॉस है वर्दी, और सास है सत्या। माँ जी, मालकिन,
लगा हुआ बिटिया को मल के। साहब ये सब का है, बिटिया रानी तो ठीक हो गई थी ना? मैंने अपनी बच्ची की हत्या कर दी ये जानते हुए कि वो तुम्हें कितना चाहती थी। मैंने उसे तुम्हारी मौत की खबर सुना दी। बिटिया अब तो इसकी जिंदगी भगवान के हाथ में। भगवान के हाथ में है तब तो साहब बिटिया रानी बच जाएगी। भगवान तो हमारे साथ में रहते हैं, हमारे झोपड़े में। हम उनसे बिटिया रानी को मांग लेंगे साहब। हमने आज तक भगवान से मांगा ही क्या, सिर्फ दो रोटी और दो जोड़ी कपड़ा। अगर भगवान हमारी बात नहीं सुनेगी, हमारी बिटिया हमको नहीं देंगे, तो हम भी भगवान से नाराज हो जाएंगे। हम उनको अपने झोपड़े से निकाल देंगे, हम कभी उनसे बात भी नहीं करेंगे। बिटिया बिटिया अब तुम्हारे हाथ जोड़ते, उठो बिटिया, जागो बिटिया, आंखें खोलो। देखो आज तुम्हारा सपना पूरा हो गया है बिटिया। तुम्हारा सतिया पुलिस बन गया है, सचमुच का पुलिस बन गया है बिटिया। देखो हमारे पास टोपी भी है, देखो वर्दी भी है बिटिया, देखो देखो बिटिया सीटी भी है। बिटिया बिटिया मास्टर जी आंखें खोलो, मास्टर जी देखो हम आपको सलूट मारते हैं, मास्टर जी हम परेड भी कर सकते हैं। ये देखो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट आंखें खोलो बिटिया, बिटिया हमको देखो, बिटिया बिटिया हमको देखो। जगी जा तारा हो, जगी जा तारा, जगी जा तारा, टूटे खिलौने सपने सलोने, गलियन में रोए एक बंजारा। जगी जा तारा हो, जगी जा तारा, छुक छुक दोनों चले यूं बन के रेल तमाशा करें, शोर मचाए चलो जरा सा खेल तमाशा करें। काहे न बोले आंखें न खोले, सो बार लेके नाम पुकारा। जगी जा तारा हो, जगी जा तारा, दुनिया इतनी बड़ी है छोटी सी है कुटिया मेरी, छोटी सी कुटिया में कितनी खुश थी मुनिया मेरी। पग छू तेरे चल साथ मेरे, किस काम का ये ऊंचा चुबारा। जगी जा तारा हो, जगी जा तारा, जगी जा तारा, जगी जा। हाँ बिटिया बोलो, बिटिया बोलो। तुम मरे नहीं ना सत्या? अरे
नहीं बिटिया, इका तुम्हारे सामने बैठे हैं हम। पुलिस भी बन गए सत्या। हाँ बिटिया, हम सचमुच का पुलिस बन गए हैं। ये वर्दी देखो, हम सलून भी कर सकते हैं। अच्छा बेटिया, सत्या भैया हमारा कहा मानोगे? वो कम कीजिए मालकी। अब तुम कहीं नहीं जाओगे, हमारे साथ रहोगे। मालकी, बिटिया से दूर रहने को तो हमारा भी जी नहीं चाहता, लेकिन हम कहा करें। मास्टर जी ने मार मार के हमको पुलिस बना दिया है, अब तो पुलिस क्वार्टर में ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, तुम्हें क्वार्टर नहीं मिल सकता। सलाम साहब, लेकिन हमको क्वार्टर क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए कि क्वार्टर सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए होता है। क्वार्टर चाहिए तो शादी कर लो। शादी? अब देर ना करो सत्या, देखो मैं तुम्हारे दुल्हन को तैयार करके ले आई हूँ। गौरी, सत्या तुम्हें तारा बिटिया जैसी बिटिया चाहिए ना, तो शादी कर लो। ए गौरी, तू पक्का वचन देती है कि? चल फट। अरे सत्या, शादी करके भूल नहीं जाना, मिलते रहना। अरे बिटिया, हम तो तुमसे जरूर मिलेंगे। जब तुम मोटर में स्कूल जाओगी ना, तब हम ट्रैफिक के पुलिस बनेंगे। आती जाती ट्रैफिक को रोककर तुमसे मुलाकात करेंगे। आहिस्ते आहिस्ते और हॉर्न, उसके बाद आप सब लोग आहिस्ते।